मिस्टर राम। मिस्टर राम, मिस्टर राम, रिपोर्ट्स। क्या लड़की है। सर, ये प्रॉब्लम इन्हें कैसे हुआ? ये एक फैक्ट्री में काम करता है सर, वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज होती है। अरे ये तो सेफ्टी टूल्स भी यूज नहीं करता। मशीन खराब हुई और इसका कान भी खराब हो गया। बट आई एम परफेक्टली ऑल राइट। उस फैक्ट्री का ओनर कौन है, उसके पास अकल है कि नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा सर, उस इंसान के पास बिल्कुल अकल नहीं है, क्योंकि ओनर यही है। ओह, तो ये है ओनर। जब ओनर का ये हाल है तो वर्कर्स का क्या हाल होगा? जब फैक्ट्री में साउंड इतना तेज है तो कान में सेफ्टी टूल्स नहीं लगा सकते हो क्या? इसी लापरवाही के कारण इसके 80% सुनने की कैपेसिटी कम हो गई है। सर, 80% कैपेसिटी खत्म हो गई है, पर ये जिस तरह से रिएक्ट करता है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लगता है आपके रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। हाँ। रिपोर्ट झूठ नहीं बोलता, इसका तो ऑपरेशन कराना ही होगा। एक हफ्ते के लिए किसी शांत जगह पर ले जाकर रिलैक्स कराओ। इसको अपने पास रखो, अब जाओ और कुछ हफ्तों बाद इसको लेकर आना।
ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗಿವೆ ನಿನ್ನುಳಿವು ನನ್ನಿಂದಲೇ ನನ್ನಳಿವು हेलो, घर पे हूँ। ठीक है, मैं घर पर मैनेज कर लूंगी। बाय बाय। ए, अरे बेटा उठ जाओ, कब तक सोगी तुम? सो कहाँ रही हूँ माँ, रोज सुबह सुबह श्लोक सुना के मुझे टॉर्चर करती रहती हूँ। श्लोक पढ़ने से घर में शांति रहती है। बस करो, मुझे अब और परेशान मत करो। माँ तुम यहाँ कपड़े पैक करो, मैं अभी आती हूँ। ओके, कहाँ जा रही हो तुम? जितना मैं बोलूँ उतना करो माँ, बेवजह क्वेश्चन करके मेरी और डैड का गुस्सा क्यों सुनती रहती हो तुम? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। डैड मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ प्रोजेक्ट के लिए। ओके जाओ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। ओके, दूंगा। बाय द वे हम लोग फार्म हाउस पर जा रहे हैं। वहाँ किस लिए बेटा? डैड वो बहुत शांत प्लेस है, इसलिए आयशा और रिश्का भी आ रही हैं। मेरे स्वीट डैड, प्लीज डैड। लेकिन तुम्हें वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा। ट्रिंग ट्रिंग लैंडलाइन, डेली आपको कॉल करूंगी। प्लीज डैड, आप भी तो रिलैक्स होने के लिए वहीं जाते हैं ना। प्लीज डैड। ओके, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। लव यू डैड। माँ बाय। सुनिए, मेरे ख्याल से उसे फार्म हाउस नहीं जाने देना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है, किसी खतरे का अंदेशा हो रहा है मुझे। शट अप, कुछ भी मत बोलो। कितना बेवकूफ था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। वो मेरी भी बेटी है, उसकी मर्जी वो जैसे जिए। अभी तक मेरे सामने खड़ी हो, जाकर काम करो। डैड, बिजनेस टेंशन के चलते ड्रिंक्स ओवर करके अपनी हेल्थ मत खराब कर लीजिएगा। ओके डियर, मुझे हमेशा फोन करती रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू डैड। बाय बाय, लव यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। हाय डार्लिंग। हे कम। हे आयशु,
कम से कम आज तो फुल कपड़े पहनकर आ जाती तुम। मेरे कहने का मतलब तुम फुल कपड़े में सुंदर दिखती हो। यू जस्ट शट अप, लीव मी अलोन, ओके? ओ बाबा, तुम लोग अभी से शुरू हो गए? अगर तुम लोग ऐसे करते रहोगे तो फिर हमारा प्रोजेक्ट हो चुका। हे सुन ना, मैं तो मजाक कर रही थी आयशु। हे रुको 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 रुको, कुछ दिखा क्या? हाँ, क्या बात नीलू, वक्त के साथ साथ तुम भी कड़क होती जा रही हो। हाँ, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो हमेशा फिट दिखते हैं। मैं तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार ही हूँ, लेकिन तुम ही मना कर देती हो। अपना नॉनवेज जोक अपने पास ही रखो। दो चार दिन से पौधों में पानी नहीं डाला है, ऊपर से दो महीने से मेरी पगार भी नहीं दी है, कब दोगे? मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मुझसे शादी कर लो और पूरे फार्म हाउस की मालकिन बन जाओ। तुम्हें मंजूर है या मंजूर नहीं है? रिंचक रिंचक रिंचक, मंजूर है तो बता। सुन, मौका तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है। खेत जोतने के लिए बैल मजबूत होना चाहिए, अपनी हालत तो देख बुड्ढे, शर्म है कि नहीं तुझे? भगवान। सर, भाड़े पे एक रूम चाहिए था। रूम? हाँ। मकान मालिक 15 दिन तक अभी नहीं आएगा, तब तक मैं कुछ माल कमा लेता हूँ। हाँ, मिल जाएगा। ऊंची आवाज में सुनता है, इतना धीरे बोलेगा तो कैसे सुनाई देगा? सर, मुझे एक रूम भाड़े पे चाहिए। सर, मैंने कहा ना मिल जाएगा, कितने दिन रहना है? सर, 4 दिन के लिए चाहिए था। एक दिन का 500 लगेगा। सर, थोड़ा कम कर दीजिए ना। कम? ये लीजिए 4,000 रुपए। अबे हे नागा, इन्हें ऊपर वाले रूम में लेकर जाओ। ठीक है मालिक। आइए सर, आइए, चलिए सर, चलो। ए सुन ना, तुम्हें ड्राइविंग सीखे हुए कितने साल हो गए? लगभग 4 साल। ड्राइविंग में कंफर्टेबल फील होता होगा? नहीं, मजा तो गियर डालने में आता है। उसने तुमसे 2,000 रुपए मांगा था, पर तुमने उसे 4,000 रुपए दे दिया। क्यों दिया? हाँ, क्या कहा? सुबह से तुम 4 बार बाथरूम चले गए, तुम्हें लूज मोशन हो गया क्या? उस आदमी ने 1 दिन के 500 रुपए मांगे थे, तो कुल मिलाकर तुम्हें उसे 2,000 रुपए देने थे, लेकिन तुमने उस आदमी को 4,000 दिए। बताओगे क्यों दिया तुमने? हाँ, तुम पैसे की बात कर रहे हो? हाँ, देखो तुम्हें समझ में नहीं आया, वो आदमी जो है वो 4 दिन का हमसे 5,000 रुपया मांग रहा था। हा? और मैंने 4,000 रुपया देकर मामला सेट कर दिया। मैं बहुत स्मार्ट हूँ मेरे भाई, बहुत स्मार्ट। तुम स्मार्ट हो तो मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, शायद ये बात तुम्हें पता नहीं है। तुमने कुछ कहा मेरे भाई? चलो, मैं अब नीचे जाकर नाश्ता करने वाला हूँ, समझे? तो तुम अब बाथरूम में जाकर अच्छे से नहा धो के रेडी हो जाओ, उसके बाद ही नीचे आना। हाँ, समझ गया मैं। क्या तुम सच में समझ गए? हाँ, तुम नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करोगे ना, और मैं नहाने के बाद नीचे आऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ, समझ गया मैं। जब मैं इससे गलत बोलता हूँ तभी से मेरी बात समझ में आती है। हाँ, ऐसा ही करना। ओफ। ए आयशु, आयशु बाहर आओ।
कमरे की सफाई कर दूं क्या सर? आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला। ये सब क्या कर रहे हैं सर आप? सर, वल्ला वल्ला इंतजार। आजा आजा। ला 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 ला। अरे बाप रे, अरे रे, अरे सुनो, ए, चलो उठ जाओ। तुम बेहोश कैसे हो गई थी? क्या हुआ तुम्हें? आपकी फ्रेंड कैसे आदमी है? मैं रूम की सफाई के लिए पूछा तो बोले कर दो। जब मैं सफाई करने के लिए अंदर आई तो वो मेरे सामने ही कपड़े बदलने लगे। मैं उन्हें रोकने के लिए उठी, इस टेबल से मेरा सर टकरा गया और फिर मैं बेहोश हो गई। हे भगवान, उसको मैं क्या करूं? वो सब बर्बाद करने में लगा रहता है, ये बहरा पिटवा के ही मानेगा मुझे। बहरा? उसको सुनाई नहीं देता क्या? इसीलिए तो इतना कंफ्यूजन है। एक काम करो, तुम जाके रेस्ट करो, बाद में आकर सफाई कर देना। हे हे, तुम्हें केवल अमीर लड़के ही चाहिए? मुझे कभी फिर ऐसा बोला ना, मैं तुम्हें कपड़े की तरह धोना लूंगी। हे, मेरे अलावा किसी और से शादी की काट के रख दूंगा। ये क्या है? रिंग है, हम लोग रुके थे ना, वही मिली। जी, फेंक दो इसे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं पहनूंगी। तुम कभी किसी की बात नहीं सुनती आयशा। ए, पागल हो क्या? क्या है, देखकर गाड़ी नहीं चला सकती क्या? पानी, बोतल खाली है, खरीदना पड़ेगा। हेलो, कौन है? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुमसे एक काम है। कैसा काम है? तुम्हें तीन लड़कियों को किडनैप करना है, वो हिमगिरी हाईवे से अनगा फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सिर्फ किडनैप ही करना है या? सिर्फ किडनैप, कपाल भी बाका हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डील फाइन, लेकिन मुझे 10 लाख चाहिए, समझे? ठीक है, 1 लाख एडवांस मुझे भेज दो तुम। पैसा और उन लड़कियों की तस्वीरें कहाँ लेनी है और कब, मैं तुम्हें बता दूंगा। एडवांस मिलते ही समझना तुम्हारा काम हो गया। दो बोतल लेना है आयशो, या मेरे लिए एक कुरकुरे का पैकेट। ओके। अरे भाई, वो देखना। मैडम, जरा मुझे वो उठाकर दे दो ना। थू, लोफर्स। ऑफ वाटर बॉटल्स और एक कुरकुरे। भाई, ऐसी लड़कियां आसानी से कुछ उठाकर देती नहीं है। अब तू देखता रहे मुझे। What the hell? क्या रे, तू कुछ ओवर रिएक्टिंग नहीं कर रही है क्या? यू बास्टर्ड्स, तमीज नहीं है तुम लोगों के पास? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, हटो। भाई भाई, उठो उठो। Ah.
क्या कर रहा है बेटा, क्यों इतना अपसेट है? अपसेट होने से काम ठीक हो जाएगा क्या? और ये एक ही चैनल चलने देना। एक बार मैंने आयशा की शादी करा दी, फिर तेरी लाइफ भी सेट कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो कब होगी आयुषी की शादी? सब सोच के रखा है बेटा। मेरे बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आयशा की शादी करा दूंगा, आधा टेंशन खत्म। तो लोफर्स कहीं के कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे थे। जब गांव में इतने फैशनेबल छोटे कपड़े पहनोगे तो क्या होगा, यही होगा ना? हेलो, तो तुम वहाँ क्यों नहीं चली गई थी? डैडी से कह दूंगी, वो देख लेंगे। हे, हमें घर पर ये बात नहीं बतानी चाहिए, इससे मामला बिगड़ जाएगा। जो हो गया भूल जाओ, हमें संभल कर रहना चाहिए। बस सिर्फ संभल कर और मेकअप शेकअप की बात नहीं है, कहाँ क्या पहनना है इसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना चाहिए। शट अप, हर चीज के लिए मेरी चिंता करना बंद करो, मैं ठीक हूँ। आप बस भी करो, समझो तो कि वो क्या बोल रही है, और तुम भी चुप रहा करो, समझी? क्या है आयशु, इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करती हो? जो भी हो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो है, हा? ओह, ऋषिका, तुम उसे अकेला छोड़ दो, मैं उससे दूरी बनाकर रखूंगी, यही सही रहेगा। घूर के देख रहा है ये? हे, ओके। हाँ मैडम। निकल ही नहीं रही। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बालों में डैंड्रफ है, उसे ही साफ कर रहा था। पागल हो क्या तुम? गलती से अगर ट्रिगर दब गया तो मेरा सर और शोल्डर दोनों जाएगा। भरत, 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 ये यहाँ है। भरत, तुम यहाँ पर किस बेवकूफ को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था भाई। यहाँ आओ, चलो मेरे साथ, चलो तो मेरे साथ, मुझे कुछ बताना था। यहाँ आओ मेरे भाई, मुझे कुछ बताना है। सुनो मेरे, क्या है? भरत, मेरे भाई भरत, भरत सुन ना। बस करो, जल्दी बताओ कि बात क्या है, मुझे इरिटेट मत करो। भरत, मैं बहरा हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता, ये तुम प्लीज किसी को बताना मत। हाँ प्लीज, तुम मैनेज कर लोगे ना? प्लीज तुम मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करना है? मुझे तो इस बात की टेंशन है, कहीं ये बहरा मेरा कान ही ना मांग ले। अच्छा ठीक है, बताओ। भाई मुझे नहीं पता तुम मेरी तरफ देखकर क्या फुसफुसा रहे थे, लेकिन ये मेरी सेफ्टी का सवाल है। अगर तुम ये ठीक से मैनेज कर पाए तो देखना इसमें तुम्हारा ही भला होगा। हमारा खानदान वादा निभाने के लिए माना जाता है,
लेकिन एक बात है, अगर लोगों को पता चल गया है बहरा तो उससे क्या होगा? ये ऊपर क्या दिख रहा है? ओहो, तो ये बात है। ये नौकर को पता है क्या? ए, ये हम दोनों का बैग है ना? आप लोगों का ही है सर। हमारा बैग यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, बोलोगे? कुछ दिनों की बात है, प्लीज हॉल में एडजस्ट कर लीजिए सर। ऐसे कैसे? हाँ, हम लोगों ने पैसे देकर रूम बुक किया था और सर, तो और तुम्हें 2000 एक्स्ट्रा भी दिया था। हे ओके, कैसा शोर है? मैडम जी, ये लोग मुझसे कुछ पैसे मांग रहे हैं। तो हे, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, कौन है वो लोग? इनके पास तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि रिस्पेक्ट क्या होती है। तुम लोग अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसा ही करती हो क्या? तुम लोग इसके रिलेटिव्स हो? तुम लोग तो थर्ड क्लास के लगते हो। क्या कहा तुमने, थर्ड क्लास? ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायन? तुम्हारी ये हिम्मत, सुअर? क्या कहा सर? हम लोग सुअर हैं भाई। ये लड़की हम लोगों की इंसल्ट कर रही है, अब ये लड़की मेरे हाथों से नहीं बचेगी। हे, क्या बोला? क्या कैसे बोलते हो? फाइटिंग चल रही है क्या? हाँ भाई हाँ, जाओ मारो। हे, क्या बोल रही है? हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे जा, मैं तुझे मार दूंगा सब्जी। हाँ, अरे जा जा, मैं तेरे को मार दूंगा, चांस मार दूंगा तुझे। तेरा सर कौन सी आजकल लफंगे? अरे चलो जा, बस करो बस करो, जा करवाएगी। हाँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें मूली सांबर नहीं बनाना है, जिसे जो करना है करने दो, समझ गए तुम? अरे यार, चल क्या बकवास कर रहे हैं, चल यहाँ से। छोड़ो मुझे, सुनो मेरी बात, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन मूली सांबर मैं बनने नहीं दूंगा। अरे यार, हे, अरे हम लोग वहाँ पर मूली सांबर के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे, समझे? बल्कि मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ पर जाकर उन लड़कियों को मारो। आ? अरे यार, इस बहरे का मैं क्या करूँ? भाई, इस सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे मारना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मारना था, मारना था, मगर उनको नहीं, मुझे मारना था। मारो 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 मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं रहा है क्या चल रहा है। ओ, तो तुम लोग इधर हो? हमें इतना टेंशन देने के बाद भी ये हमारे तरफ आने की हिम्मत कर रहा है, देखो तो। तुम 5 मिनट कुछ मत बोलना, मैं इसे निपट लूंगा। अरे ए, रुक जा। रुको रुको, तुम ना 2 मिनट तक, नहीं नहीं 3 मिनट तक बंद रखो। अरे मैंने मैनेज किया था लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने पैसा हम दोनों से लिया पर रूम उन्हें दे दिया क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है, ये जानकर हम चुप कैसे रहेंगे? हाँ, अरे यार, मैंने उन्हें रूम नहीं दिया, ये फार्म हाउस और ये जमीन सब कुछ उनका ही है, वो मेरे बॉस की बेटी है। ओ, तो तुम मालिक नहीं हो क्या? हाँ, छोड़ो इसे बात करना, यहाँ दूर दूर तक एक भी फार्म हाउस नहीं है। एडजस्ट कर सकते हो तो रुको, नहीं तो मैं पैसे वापस कर देता हूँ, तुम लोग चले जाओ। इतना अच्छा फार्म हाउस छोड़कर आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम उन लड़कियों के साथ एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे तुम उनके बाप को नहीं जानते हो, एक लड़का उन्हें छेड़ रहा था, फिर पता है उन्होंने उसका क्या किया? सब बता रहा हूँ, सुनो, जो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, समझे? इसीलिए संभल के रहना। अरे भाई, मैंने तो बस मजाक किया था। लेकिन सर, जब आपकी लड़ाई उन लड़कियों से हो रही थी तो आपका ये फ्रेंड मूली मूली क्यों चिल्ला रहा था? हाँ, अरे यार, सिचुएशन को संभाल। वो दरअसल बात ये है कि इसे मूली से बहुत ज्यादा नफरत है, ये जहर खा लेगा मगर मूली नहीं खाएगा, इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं मूली नहीं खिलाऊंगा, तुम लोग हॉल में एडजस्ट हो। हाँ, 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 बच गए। उसने तुमसे जो कुछ कहा वो तुम्हें सुनाई दिया? अरे यार, क्या करूँ मैं इसका? हे भगवान, कहाँ से ये मेरे पल्ले पड़ गया? अगर इसने इस बार कोई गलती की तो उसका बाप मेरी बॉडी का काट काट के कीमा बना देगा, अब मैं क्या करूँ? हाँ, अगली बार ये मेरी लिपसिंग देखकर समझ गया था, फिर से वैसा ही करता हूँ।
वो लड़की यहाँ के मालिक की बेटी है, इसीलिए तुम उन लड़कियों से ना पंगा बिल्कुल मत लेना। उनके बाप को पता चला तो पता है क्या होगा, वो तुम्हारी और मेरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, समझ गए ना? अरे यार, वैसे क्या समझे? वो चिकन कीमा बनाने वाला है और आज के बाद वो मूली की कोई भी चीज नहीं बनाएगा। अरे यार, लानत है तुम्हारी मूली पर। थू। दोस्त, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हैं भाई। हाँ? वो बालकनी में जो लड़की बाल झाड़ रही थी ना, वो मेरे दिल को बहुत भा गई है। मुझे उससे प्यार हो अरे गया बाप है। रे बाप, अरे भगवान, ये क्या हो गया? जिसका मुझे डर था वही हो गया। ये सब सुनने से पहले आखिर मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? भाई, मेरे प्यार को लेकर तुम इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हो? एक्साइटेड? अरे ऐसा मत बोलो भाई, मत बोलो। नहीं छोड़ूंगा भाई, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दिस इज माय प्योर लव मेरे भाई। रे 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 रे। हे भगवान, ये केवल बहरा ही नहीं बल्कि दिमाग का पैदल भी है, वो भी पूरा। लव करके मरेगा ये, एक बार तो मेरी बात समझो। सिगरेट? एक ही सिगरेट चाहिए? मैं तो तुम्हें पूरा एक पैकेट लाकर दे सकता हूँ भाई। तो उसी सिगरेट से मुझे जला देना। किसी ने देखा तो नहीं? ये ऐसा मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? नमस्ते सर, मुझे नागा ने भेजा है, मैं चिकन्ना हूँ। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की एक वैकेंसी है ना, इसलिए नौकरी करने आ गया। ये तो जरूर कुछ कह रहा है। मुझे तो ये सेल्समैन लग रहा है, इससे मैनेज करना होगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? देखो सर, इस घर में आपका आइटम लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं रहता। आइटम? क्या समझ रहा है मुझे? कौन सा आइटम सर? ए, बार बार मुझे पूछकर परेशान मत करो, मुझे अच्छे से सुनाई देता है। हे भगवान, ये क्या समस्या है? मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या जवाब दे रहा है? ऊपर से ये भी कह रहा है कि मैं इसको परेशान कर रहा हूँ। इसके कपड़े देखकर तो लग रहा है ये पागल है, हो सकता है ये पागल ही हो। लगता है मुझ पर डाउट कर रहा है ये, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। देखिए सर, मुझे पता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। सच में सर? नहीं, इतना एक्साइटेड मत हो, पेशेंस रखो। इस घर में जो है ना, कोई भी रूम खाली नहीं है, याद रखना। रूम है? मैं पूछ क्या रहा हूँ और ये जवाब क्या दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है ये बहरा हो, चलो ट्राई करके देखते हैं। ट्राई। ए, मुझे अच्छे से सुनाई देता है, समझ में आ गया? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लगा कि मैं चिल्लाया है? फिर से ट्राई करके देखता हूँ। अरे इतना चीख क्यों रहे हो तुम, मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? पक्का ये तो सचमुच बहरा है, अब मेरी समझ में आ गया। सर, मैं समझ गया, आप दोनों कान से कम सुनते हैं। सर, आपको इस बारे में पता चल गया? सर अगर आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। सर, यहाँ घर के अंदर एक चश्मा पहने हुआ आदमी होगा, आप प्लीज उनसे बात कीजिए सर। ओ, शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर दे। प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज किसी को बताना मत कि मैं बहरा हूँ सर। ठीक है ठीक है, मुझे इस घर में नौकरी मिल सकती है क्या? सर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। अरे, मैं भी किससे अपना माथा फोड़ रहा हूँ। ठीक है सर, मिलते हैं सर। किस नालायक से पाला पड़ गया मेरा। इसको पता चल गया कि मैं बहरा हूं, मुझे कैसे भी उसको बाहर करना होगा। अबे क्या कर रहा है बे? तेरी हिम्मत कैसी हुई आने की? किससे बात कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है? हम तुझे बताए क्या कि आखिर हम लोग कौन है? हाँ,
बताओ क्या मैं बोलना डर गए बड़े आए बाहर के टाइम बस कर रहे हो चलो अंदर जल्दी आओ ठीक है दादा ये कौन है इसकी हरकत अजीब है शंकर भाई हाँ लगता है कि तुम्हारा कोई रिलेटिव आ रहा है अब उसके लिए भी एक रूम देखो चलने का स्टाइल तो जरा देखो इसका हाँ एक आंख से अंधा नहीं नमस्ते सर मुझे नागा भाई ने भेजा है मेरा नाम चिकन्ना है मैंने सुना है कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की एक सीट खाली है इसलिए नौकरी की तलाश में आया मैंने निंगाना को बोला था कि मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हाँ पगार बोलो जितना दोगे उतना ले लेंगे सर अरे कितने के लायक हो तुम मैं तुम्हें 6,000 रुपए दूंगा समझे फिर काम देख कर बढ़ा दूंगा ओके सर ओके मत बोल ऐसे क्यों क्योंकि मेरा सर नेम ओके है ओके फिर ओके बोलता है पीछे का क्वार्टर रेडी है 6 बजे से सिक्योरिटी का काम शुरू कर देना ठीक है ठीक है बदतमीज मैं कुछ भी खा लूं मेरा वेट ही नहीं बढ़ता है रोज एक केला खाओ वेट बढ़ जाएगा मुझे केले से नफरत है हेलो हाँ मैं सुन सकता हूँ बोलो मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ क्या कहा बहरा थोड़ी हूँ तुम मिस कर रहे हो मुझे हाँ जब मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो फिर मेरा इंडिया का बिजनेस कौन देखेगा मुझे ये बताओ हाँ ये नटबोल्ट की कंपनी चलाता है और फेंकता कितना है कितना 4 करोड़ प्रॉफिट हुआ हमारा मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा समझे कि नहीं सर उन्होंने 2,000 के बदले जब 4,000 रुपए दिए मैं तो तभी समझ गया था कि बहुत बड़े आदमी है तुम खुद क्यों नहीं सुन लेते क्या कहा शादी इतनी भी क्या जल्दी है भाई क्या वो एनआरआई लड़की है नहीं मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है क्या वो इतने अमीर बाप की बेटी है उसको तो मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है वैसे मुझे गरीब घर की लड़कियां है ना बहुत अच्छी लगती हैं। ओह लड़की के बारे में लड़की कैसी होनी चाहिए बताऊं तो देखो तो वो हमें कैसे इम्प्रेस कर रहा है हमें नहीं केवल तुम्हें कितना अजीब इंसान है ये अजीब इंसान तो है ही यहाँ पर कोई नेटवर्क ही नहीं है और वो फोन पर बात करने का नाटक कर रहा है अगर यहाँ 2 लड़कियाँ और होती तो फिर उसका सत्यानाश कर दिया जाता बिल्कुल अच्छा आयशा कहाँ है मैंने जो बोला वो समझ गए ना तुम मेरी जो ड्रीम गर्ल है वो वैसी होनी चाहिए हेलो 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 यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है मैं तुमसे बाद में फोन करता हूँ हाँ ठीक है यही अपना फार्म हाउस पांच मिनट में उसे किडनैप कर लेते हैं अबे ये चिकन बिरयानी खाने जितना आसान नहीं है ओए फोटो दे जरा मुझे गाड़ी कहीं और लेके चल अभी
मैडम जी फोन आया है मेरा। हाँ आती हूँ जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो। हेलो बेटा। लव यू डैड। खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू करने वाली ही हूँ। ओके डियर, उम्मीद करता हूँ वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ओके का कोई रिश्तेदार आया है। वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। ओके से बात कराओ। वो अभी यहाँ पे नहीं है। कौन है वहाँ? नीलू फोन। ठीक है डैड, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। पापा लाइन पर हैं, बात कर लो। आपको क्या चाहिए मैडम? मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम किससे बात कर रही थी? मालिक से मैडम। वो उन दोनों लड़कों के बारे में पूछ रहे थे। मेरे रूम से रिंग तुमने उठाई? कौन सा रिंग मैडम? मुझे किसी रिंग के बारे में नहीं पता मैडम। अगली बार मिलो मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बताऊंगी। बाहर 3 कप कॉफी लेकर आओ। जी मैडम। नागा, बाहर कॉफी दे दो। ठीक है दीदी। अंदर 3 लड़कियां हैं, उन्हें किडनैप करना आसान नहीं होगा। चल दे। एक काम ढंग से नहीं होता, चल भाग पीछे। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ अभी तुम लोग का लफड़ा शांत नहीं हुआ क्या? अब मैंने क्या किया, वो तो खुद ही चली गई। ये लीजिए कॉफी। और बताओ नागा, शादी कब कर रहे हो? एक नौकर से कौन शादी करेगा मैडम। नागा इससे शादी करोगे क्या? मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुकिंग नहीं आती है। ऐसा मत बोलिए मैडम, मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं जाता हूँ। ए नागा इधर तो आओ। ये तो शर्मा कर भाग गया, इस स्तर पर क्या होगा इससे? हा? अच्छे मूड में लगती है तो मुझे लगता है कि अब यही सही मौका है। वो नमूना तो हमारी तरफ आ रहा है ना? आने दो उसे और मजा आएगा। तुम में तो अकल की कमी लगती है, कम से कम इंसानों की तरह बर्ताव तो करो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। hey, ये कौन है रे? ये दोनों लड़कियां मेरी वाइफ हैं और वो दोनों लड़के वो मेरे साले हैं। ये ले,
इधर आसपास बहुत सारे लोग हैं, रात को किडनैप करेंगे इसे। दादा है? हम उन्हें सुबह किडनैप करते हैं, यही सबसे इजी होगा। ठीक है। नाइट ड्यूटी, ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। ये कौन हो सकती है? ये तो मुझसे भी ज्यादा नटखट है। मुझे मौका दे रही है, अब तो मैं फायदा उठाऊंगा इस नाइट ड्यूटी का, बड़ा मजा आएगा। मुझे सिग्नल दे रही है, आ रहा हूँ जानू। बारिश खत्म हो गई, चलो अंदर चलते हैं। हाँ। हे, कल ड्राइविंग के लिए चले क्या? हाँ, जहाँ लास्ट टाइम गए थे ना, उसी वाटर पार्क में चलते हैं। हाँ। बहुत ठंड है, चलो ना। 5 मिनट रुको ना। अब चलो भी। हाँ ठीक है, आयशा तुम आ जाना, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई है, मैं जो बॉडी लोशन लेकर आई थी मिल ही नहीं रही है यार। बॉडी लोशन की क्या जरूरत है? हाँ, तुम्हारी कोई बॉडी ही नहीं है तो तुम्हें क्या जरूरत है बॉडी लोशन? मुझे चिढ़ाना बंद करो। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या बात है? उन्हें किडनैप करते समय हमें कन्नड़ में बात करनी चाहिए। वो क्यों भाई? हम लोग हिंदी बोल सकते हैं, उनको इस बात का कुछ पता नहीं चलेगा। सुपर आइडिया यार। दादा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शराब पीने के बाद मुझे समझ में आया, आप तो बहुत बड़े डॉन है। इसका गुणगान करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। मैं कोई ट्रेन का छोटा मोटा चिंदी पकेटबाज नहीं हूँ, या सड़क पे कोई ऐसी वैसी गाड़ियां चुराने वाला लुच्चा लफंगा चोर नहीं हूँ। मैं सबको चैलेंज करता हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मैंने न जाने कितनों का खून बहाया, इस शहर में मैंने कितनों का मर्डर किया है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद पुलिस मुझे अभी तक भी हाथ नहीं लगा पाई है। अरे रहने भी दो, यंग ब्लड है इसीलिए तैश में बोला है, आगे से अपनी औकात में बोलना। दादा, तुम दोनों ना जल्दी पीना खत्म करो अपना। उस लड़की को पता नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, और उसके बाद ठीक है जाता हूँ। ठीक है मैं इधर हूँ। जो कुछ भी हुआ मुझे उसे बताते हुए शर्म आ रही है, यकीन नहीं होता कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्यों किया। Mm-hmm.
जोर 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 जल्दी कर भाग। क्या बात है भाई, हाथ क्यों धो रहा है यहाँ पर? तुम जिसके लिए गए थे टेस्ट नहीं किया क्या? क्या हुआ भाई तुझे? अबे तू इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या हो गया तुझे? ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। 3 दिन तक मेरा हाथ धोना होगा, तब जाके मेरा हाथ साफ होगा। यहाँ खतरा है, चल भाग। अबे क्यों चिल्लाया तू? क्या हुआ बोल? घर में चोर घुस गए हैं गुरु। चोर? वो भी मेरे घर में? हाँ गुरु, कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन था वो? हे योके, कौन चीख रहा था? एक्चुअली ये कह रहा है कि कोई चोर आया था। चोर? हाँ। तो फिर वॉचमैन क्या कर रहा है? वो तो मुझे शाम से नहीं दिखा। ए आद्या, तुम समझे नहीं क्या? ये सब इनका प्लान है हम लोगों को यहाँ से निकालने का। यहाँ कोई चोर नहीं आया था। तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, वो बिल्कुल चोर की तरह है। hey, क्या कहा तुमने? चोर किसे कहा? सोच समझ के बोलिए मैडम। मैं तुम्हें चोर कह रही हूँ, तुम देखने में तो हूबहू चोर जैसे ही दिखते हो। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि चोर की तरह मैं दिखता हूँ कि तुम। hey, ऋषिका चुप हो जाओ। ओके, बाहर जाके चेक करो क्या था, अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैरियत नहीं। ठीक है मैडम, मैं पता करता हूँ, आप सो जाइए। क्या देखा तुमने? हा? कसम से वो चोर ही था गुरु। अगर वो चोर था तो उसको पकड़कर वहाँ पर पटक पटक कर पीटते कसके। हाँ, लड़कियों की तरह चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे? ए नागा। हाँ मालिक। टॉर्च ला कर दो। जी मालिक। तुम यहाँ चिल्ला रहे हो और तुम्हारा दोस्त आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है, देखो। अरे वो ऐसा ही है, जब वो सोता है ना तो कुंभकर्ण को भी फेल कर देता है। मालिक। हाँ? टॉर्च। हाँ। चलो ढूंढते हैं। तुम उस तरफ देखो। ठीक है, मैं इस तरफ देखता हूँ। ओके बॉस। अरे तुम हो क्या? मुझे तो डरा ही दिया। तुम इस वक्त क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ पर चोर है, चोर। क्या क्या कहा? अब ये सर दर्द कहाँ से आ गया? इसे भगाना ही होगा। ये नागिन डांस क्यों कर रहा है? क्या देख लिया इसने? हैं? कोई हाथी आया है क्या? थैंक गॉड, कुछ तो समझा। तुम जाओ यहाँ से। मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ। हाँ जाओ। कौन है? अरे कौन है? कौन? अरे बाप रे, बचाओ बचाओ।
बचाओ बचाओ, अरे भागो यहाँ से, कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। भाई चोर दिखा गया, चुड़ैल है भाई, वहाँ चुड़ैल है। हाँ भाई चुड़ैल है, चुड़ैल है भाई। अच्छा ये बता, तुझे क्या हम लोग चुड़ैल से डरने वाले लगते हैं? खाम खाई हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है गुरु। एक 20 साल की चुड़ैल को मैंने अपनी आंखों से देखा है। शंकर भाई मुझ पर भरोसा करो, वहाँ सच में चुड़ैल थी। चलो यहाँ से, चलो 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 भाई, चलो चलो भाई यहाँ से। डरपोक, सिचुएशन देखकर टच किया कर डरा दिया। मुझे लगता है कि वो यहाँ से बाहर चला गया है। कौन चला गया? हाथी, हाथी। अरे यार करेक्ट कहा, अब चलो। हाँ गुरु, वो पक्का चोरी था। लगता है पकड़े जाने के डर से वो जानबूझकर भूत बन गया होगा। नीची आवाज में बात करो, बाहर कोई चुड़ैल है या नहीं पता नहीं, लेकिन अंदर 3-3 है। इससे पहले कि वो उठ जाए चुपचाप जाकर सो जाओ। उसने जो बोला बिल्कुल सही था। ए नागा, तुम भी जाकर सो जाओ, जाओ जाओ। दादा 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 उठो दादा। चलो ना, लड़कियों को किडनैप करते हैं। क्या खड़ा है बे? तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो गाड़ी निकालो। मैंने क्या किया था? अरे जल्दी चलना, मुझे ही मारते रहते हैं। ए चल गियर लगा आगे। ए रुक रुक रुक, ये रुक। कौन है ये लोग? ए चल पीछे ले। सबसे पहले किसने देखा? सर उसने देखा। मैं हूँ सर। इधर क्यों आया था? मैं तो यहीं रहता हूँ सर, नदी के किनारे से घूम के आ रहा था, बस पास से निकला तो ये देखा मैंने, घबरा गया था, इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया। फोटोग्राफर को, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को, एम्बुलेंस को, सबको बुलाओ यहाँ पर। ठीक है सर। सुसाइड किया लगता है। सुसाइड नहीं, मर्डर लग रहा है ये। कितनी सुंदर थी ना। भाई भाई इतना डरे हुए क्यों हो नागा? भाई भाई नीलू, नीलू खत्म हो गई। क्या नीलू, नीलू खत्म हो गई? हाँ भाई, पुलिस आ गई है, सब लोग यही कह रहे हैं कि उसका मर्डर हो गया है। हाँ भाई। ऐसा क्या? फोन काम नहीं कर रहा है। ए, पुलिस को तुमने कुछ बताया क्या? नहीं भाई। सुनो, कुछ पुलिस वाले चोरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो हमें जेल में डाल सकते हैं, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखना, समझे? ठीक है भाई, कुछ नहीं बताऊंगा मैं भाई, पक्का। चलो चलकर देखते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ। सर मर्डर हुआ क्या? यहाँ मैं यही इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। पता नहीं कौन है, तुम जानती हो क्या? तुम इसे जानते हो?
क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछूं, तुमसे जानते हो? नहीं सर, नहीं जानता हूँ। सर फोटो लिया जा चुका है। फॉरेंसिक टेस्ट होने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे क्या? हाँ ऐसे ही करो। जी सर। नीलू की मौत के बारे में किसी को बताया क्या? नहीं भाई। मैडम को इसके बारे में बताया क्या? पुलिस को देखते ही मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं उसे जानता ही नहीं। नीलू से लड़ते समय भरत ने देख लिया था, अगर उसने पुलिस वालों से कह दिया फिर तो जेल पक्की। अरे यार इस बहरे की तो देखो तो कितना लाउड है। ए, लाओ मुझे दो, जल्दी करो। देखो तो वॉल्यूम कितना हाई करके रखा है। हाँ। अरे गुरु वो दरअसल इसको ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। अरे तुम क्या बांध रहे हो? जब से मैंने उस चुड़ैल को देखा है ना तब से मुझे हर तरफ चुड़ैल ही दिख रही है, इसलिए एक बाबा ने ये बांधने को कहा है। सर ये कह रहा है कि वो चुड़ैल थी, आप कह रहे हैं कि वो चोर था, इसके अलावा फोन भी कहीं नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। शंकर भाई हा? सच में वो चुड़ैल ही थी, मैंने अच्छे से देखा था। ए, चुप कर। अरे वो पक्का चोरी था गुरु। अरे मैंने खुद उसे दरवाजे से भागते हुए देखा था, और तो और मुझे लगता है कि वो हम लोगों को डराने के लिए भूत बनने का नाटक कर रहा है और कुछ नहीं, यहाँ तक कि लाइट भी उसी ने काटी थी। मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। मुझे क्या लगता है कि ये बहुत सीरियस मैटर लगता है, तो इसके बारे में बोलने से पहले हमें कुछ सोच विचार करना चाहिए। मैं डिनर करके आता हूँ, फिर हम बात करते हैं इस पर। सर इतना सीरियस मैटर है, हम सब टेंशन में हैं और इसे खाने की पड़ी है। अरे उसे छोड़िए ना गुरु। कहीं चोर ने ही तो मर्डर नहीं किया। मर्डर? हे भगवान, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। पक्का वही चुड़ैल है। वैसे चुड़ैल ना सिर्फ मर्दों को ही टारगेट करती है। मैं जाकर सो जाता हूँ। हे हनुमान जी। सर टॉर्च लेकर आइए गुरु। तो है जो हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। सर सर क्या है? सर गेस्ट हाउस से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे वो तो होता रहता है, छोड़ो। कभी ना अकेले अकेले भाग गया ऐसे। ओ मैडम खिड़की पर हमने एक चुड़ैल को देखा। तो इस बार चुड़ैल आई थी, कोई और कहानी नहीं बना सकते। आदिया मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस बार ये कोई और नया रीजन देंगे, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, बस नाटक कर रहे हैं ये लोग, थर्ड क्लास के लोग ऐसे ही हो। हमें तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। शट अप। हे ओके।
ये लास्ट वार्निंग है, अगर फिर से ऐसा रिपीट हुआ तो चाहे रात हो या दिन हो तुम्हें और तुम्हारे रिश्तेदार को यहाँ से मार के निकालूंगी बाहर। हाँ। चलो लड़कियों। क्या यार, वो कह रहे हैं उन्होंने चुड़ैल देखी, कहीं उन लोगों ने तुम्हें तो नहीं देख लिया और चुड़ैल समझ बैठे। देखो मुझसे बकवास बातें मत करो। क्यों क्यों, नहीं करनी चाहिए। इस समय ऐसी बात करे तो मैं थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? पता नहीं तुम्हारी फैमिली ने कैसे पाला है। क्यों, तुम भी तो मुझे चिढ़ाती हो ना। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए, तुम तो पैदा होते ही अपनी माँ को मार डाली, तुम फैमिली के बारे में क्या जानो। अब बस करो। आयशु छोड़ो मुझे। तुमने मेरा पैर क्यों छोड़ा, मुझे कुछ हो जाता तो? इसने मुझे छुआ इसलिए मैं डर गया था। हाँ। तो दो हफ्तों से तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो। अरे भाई बाहर चुड़ैल है। हाँ। ऐसा लग रहा है इसके गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। अरे इसकी बात छोड़ो ना, ये तो ऐसा ही है। सच में? हाँ। पर्दा लगाने के लिए एक बड़ा स्टिक लेकर आता हूँ। देखते हैं कहाँ मिलेगा स्टिक। हे भगवान क्या मुसीबत है। पर्दा लगाने के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत है, बाहर कोई चुड़ैल है क्या? अरे यार ये आदमी तो चुड़ैल से भी ज्यादा सरदर्द है। अरे रे ये तो बाहर जा रहा है। अरे अरे बाहर चुड़ैल है, बाहर मत जाओ, समझो मेरी बात को, अंदर आ जाओ। मैं अभी तक तो उस लड़की का नाम नहीं जान पाया, तो उसे प्रपोज कैसे करूँगा। नंदिनी नंदिनी। लगता है आज ये बहरा मर के ही रहेगा। हाय मिस नंदिनी, कैसी हो? हाँ बोलो राम। कुछ दिनों से मैं ये तुम्हें गुलाब देना चाहता था। आई लव यू नंदिनी। मगर राम तुम्हारे हाथ में तो गुलाब है ही नहीं। वेरी सॉरी, जल्दबाजी में लाना ही भूल गया मैं, अगली बार लेकर आऊंगा। बाहर क्या कर रहा है ये जरा देखो तो। ये बहरा बाहर है, अब समझ में आया इसे। बाहर है ना एक भयंकर चुड़ैल है। सच में? हाँ मेरे भाई, तुम्हें उसके बारे में पता है क्या? मुझे पता भी होगा तो कैसे बताऊंगा, मेरे फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ जाओ। वो चुड़ैल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, पता है तुम्हें? लेकिन वो कोई आवाज ही नहीं की यार मेरे भाई, सिर्फ उसने आ इतना सही आवाज किया। अरे चुड़ैल की आवाज नहीं निकलती है, वो बस आ, करके चीखती है। उसकी आवाज तुम्हें तो सुनाई नहीं दी होगी। अरे वो जोर से चिल्लाई होगी बहरे। बहरा होगा तेरा बाप। बहरा बोलता हूँ तो इसे तुरंत सुनाई पड़ जाता है। अरे यार सर देखो तो इसे मुझे कैसे घूर रहा है। सर हाँ क्या हुआ सर? इसे कुछ भी नहीं हुआ है गुरु, इसने वही देखा जो हमने देखा, इसने चुड़ैल को देखा। आ जाओ तुम। देखो ऋषिका, आयशा के जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ गया था। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कुछ भी बोल जाती हो, क्यों? तुम्हें पता है वो कितनी हर्ट हो गई है, वो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है
मैं उससे माफी मांग लूंगी। अगर अभी माफी मांगूंगी तो वो और रोएगी। सुबह में मांग लेना माफी। चलो सोने चलते हैं। ठीक है। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? बाहर कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। हे हनुमान जी बचाओ। हे योगी, ये कैसी आवाज आ रही है? मैडम दरवाजा बंद कर दीजिए। मुंह बंद रखो और जाके दरवाजा खोलो। अरे मैडम उधर चुड़ैल है। मुंह बंद रखो अपना तुम। अरे मैडम रुके 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 मैडम, उधर चुड़ैल है, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा मैडम। आप नागा से पूछ लो, ये बता। हाँ मैडम, मैं तो डर ही गया था। कौन है रे तू? मैडम थोड़ा पानी चाहिए पीने के लिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अरे रे प्लीज मैडम मत खोलिए। मत खोलना। तुम लोग मर्द के नाम पे कलंक हो समझे? मत खोलना, मत खोलिए मैडम, मत खोलिए मैडम। नहीं नहीं, ये इंसान है चुड़ैल। मुझे अपनी वाली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना होगा। अरे लगता है ये बहराम सबको मरवा के ही रहेगा। ज्यादा नाटक मत करना, गन फुल है, चल बैठ जा। तकलीफ हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? वो हमारा बॉस है और हम सब लोग डाकू हैं। सबको कब्जे में ले लो। कितने लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां हैं? दस लोग हैं बॉस। अरे बेवकूफ, कितनी लड़कियां हैं? बॉस सीधा बताओ, मुझे गिनती नहीं आती है बॉस। और दूसरी लड़की किधर है? उसको भी नहीं मालूम मैं कितना खतरनाक हूँ। ए, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अरे पीठ में खुजली हो रही यार इसकी तो। ये लो रखो। चलो चलो। क्या हुआ बॉस, क्या बात है? क्या बॉस, हम तो कन्नड़ भाषा में बात करना भूल ही गए। तुम तो बॉस हो, याद दिलाना तुम्हारा काम था ना। चल यार, चल 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 चलो चल निकले से। चल चल भाग, जल्दी भाग। सबके सब बेवकूफ हैं। ए ए पीछे रहे। रिश्का मैडम, अब हम लोग क्या करें? हमें ऊपर जाकर पता लगाना चाहिए। चलो। कौन है? पुलिस। जाकर खोल दो। अच्छा साथ चलो। अरे नंदिनी कैसी हो? पुलिस है क्या? नमस्ते सर, आइए। नमस्ते सर। दो लड़कियां और तीन तीन लड़के,
ये क्या चल रहा है यहाँ पर? सर माइंड योर टंग। सर ये हमारे मालिक की बेटी है, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इधर आई है। सर प्लीज मेरी बात मानिए सर, अभी 5 मिनट पहले कुछ लोग गन लेकर आए हुए थे, उनमें से एक आयशा को लेने ऊपर गया था, लेकिन जब वो नीचे आया तो बहुत डरा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ऊपर कौन है? मेरी फ्रेंड आयशा है ऊपर। ऊपर चलो। आप यहीं रुकिए। ओके सर। कोई इंफॉर्मेशन मिले तो बताना। ओवर सर। जल्द से जल्द कोई हल निकालो। यस सर। सब हो जाए तो स्टेशन पे मिलते हैं। ओके सर। ओके ओवर। तुमने उसका नाम क्या बताया था? आयशा सर। क्या हुआ? उसका मर्डर हो गया है। रुको तुम लोग। रुको 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 रुको, आप लोग यहाँ नहीं जा सकती। रुको, अरे मेरी बात मानो। मुझे नहीं पता सर, वो 6 लोग थे सर, उनके हाथ में स्टिक चाकू और बंदूकें थी सर। वे लोग साउथ में बोलने का प्लान करके आए थे पर हिंदी ही बोल दिए। सर अभी अभी जो सुमो कार गई उनका ही काम लगता है। हेलो हेलो हेलो, एमगिरी स्टेशन ओवर। एमगिरी स्टेशन ओवर। रत्नगिरी चेक पोस्ट की तरफ एक सुमो गाड़ी निकली है, पकड़ो उन्हें। ओवर। केस स्टेटस। मर्डर केस ओवर। ओवर। सुनो यहाँ कोई किसी चीज को छुएगा नहीं, सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो। ओके सर। चलो चलो हमारे साथ। आप हमें बता सकते हैं आयशा को क्या हुआ? जाकर बैठो वहाँ पर, जाओ। सर मैं जरा अपने पापा से बात कर सकती हूँ। तुम्हारा बाप कोई एमपी एमएलए है क्या? सर मेरे पापा एमपी हैं। ऐसा है क्या? सुनो एक दिन में 2-2 मर्डर हुए हैं। 2 मर्डर? हाँ, एक डेड बॉडी तुम्हारे फार्म हाउस के पास भी मिली है। रियली? हमारे फार्म हाउस के पास? हाँ। ये है वो लड़की, इसे जानते हो तुम? ये तो नीलू है सर, ये फार्म हाउस में नौकरानी थी। क्या चल रहा है ऋषिका? इसका मतलब तुम इसे अच्छी तरह जानती हो। सर एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? चिल्ला क्यों रहा, चुप रहा है? हे किरण। हाँ सर। इन सब की स्टेटमेंट ले लो। ठीक है सर। यहाँ आइए। आपका नाम? और आपका? क्या नाम है तेरा? ओके सर। ओके। मैं तेरा नाम बोल रहा हूँ। सर मेरा नाम शंकर है सर, मेरी एक आंख चली गई जब मेरी माँ मुझे दवा खिला रही थी, तब से हर कोई मुझे एक आंख वाला ओके शंकर कहने लगा, मगर बेंगलोर में शॉर्टकट में ओके शंकर ही बोलते हैं, फिर मैंने शॉर्ट नाम करके केवल ओके ही रख लिया सर। डिस्गस्टिंग, छेड़ दे मुझे। तुमने कहा था जिस लड़की का मर्डर हुआ तुम नहीं जानते उसे, अपने मालिक की बेटी को भी नीलू के बारे में नहीं बताया, बता क्यों मारा तूने उसे? सर मैंने उसे नहीं मारा सर, कसम से मैंने उसे नहीं मारा। उसे नहीं मारा सर। मैं तेरा बाप नहीं हूँ जो तेरी आंखों में आंसू देख के पिघल जाऊंगा। सर बता तूने क्यों मारा उसे, जल्दी बता। नहीं नहीं सर मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको क्यों मारूंगा सर। तो झूठ क्यों बोला तुमने? ले जाकर खातिरदारी कर इसकी। चल सर। अरे चल। मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं मालिक को बताना चाह रहा था मगर फोन नहीं लगा सर, चुड़ैल ने फोन का लाइन काट दिया था सर। सर सर मैं नागा हूँ सर, नागा, लोग मुझे डोसा नागा कहते हैं सर। तुम एक अच्छे आदमी नजर आते हो, अगर उसकी तरह मार नहीं खानी है तो मुझे सब बताओ कि कल हुआ क्या था। सर इसके बारे में मुझसे मत पूछिए।
क्या बोला? पागल है क्या? तू मुझे सिखाएगा कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है? मार खाने का मन है क्या तेरा? मेरा मतलब वो नहीं था सर, कहानी डरावनी है इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ। मुझसे बात कर इधर। आपकी तरफ बोलूंगा तो पीछे से मेरा लाल कर देगा सर। नहीं मारेगा वो, मुझे बता। बता मुझे। हम सब सो रहे थे सर, तभी वो चोर चोर चीखने लगा। आप उन लड़कियों से भी पता कर सकते हैं सर, वो हमसे कुछ फिल्मी डायलॉग मारा और चोर को ढूंढने के लिए हमें बाहर लेकर गए। सीधा मुद्दे की बात कर। अंधेरी रात थी सर। रात हमेशा अंधेरी होती नालायक। सीधा सीधा बता। मैं फ्लो में बता रहा था सर, बीच बीच में मत टोकिए ना। मैंने तुम्हें टोका नहीं है, साफ साफ बता। अंधेरी रात थी सर, हर जगह पूरा अंधेरा था सर, घर में भी अंधेरा था। इसका अंधेरा अंधेरा कहने से यहाँ भी लाइट कट गई है। मारो इसे। सर गलत आदमी को मार रहे हो सर। सर सर मुझे नहीं, उसे मारो आप भी ना। इधर आ सर। सर मुझे नहीं पता लाइट कैसे कट गई सर, मैं आपको सब बताऊंगा सर। सर मैं हर जगह ढूंढ रहा था सर, तभी मुझे लगा पौधे के पास कुछ है सर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था सर, इसलिए मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा सर। मुझे लगा उधर कुछ नहीं है सर, लेकिन मैं आगे बढ़ता क्या सर। फिर मुझे एक भयंकर चुड़ैल दिखी सर। सर आप गिर क्यों गए सर? उठ जाइए सर। ऐसा बोल बोल के मुझे डरा दिया बेवकूफ गधे। बताऊं तुझे? उस चुड़ैल के हाथ कौन से सने थे सर, उसके बाद मुझे ये मिला, लेकिन इसने कहा कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है। फिर अगले दिन मैं सीधा मंदिर जा रहा था माता के दर्शन करने के लिए। ये बात तुम मुझे कल क्यों नहीं बता सकते थे सर? आपको पता ही क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? कहा कि पुलिस वाले चोरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और आप चोर की तरह दिखते हैं सर। सर 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 मैंने इसको 2 महीने का पगार नहीं दिया है ना सर, इसलिए मुझे फंसा रहा है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। लेके जाओ और पुलिस की पावर दिखाओ इसे। ऐसा मत कीजिए सर, सर छोड़ दीजिए मुझे। अच्छे से धोना इसे। नहीं बोला था सर। सर जंगल के बीच में फार्म हाउस है, फार्म हाउस में हाथी घुस गया था, तो इतनी इंक्वायरी किस लिए? क्या है इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी सीरियस इंक्वायरी किस लिए? अरे तेजी तो ये कोई छोटी बात नहीं है, वहाँ 2 लड़कियों को हमारे आने के बाद समझ गए कि नहीं? क्या हो रही है? कुछ नहीं सर। ये तुम्हें कोई धर्मशाला लगती है क्या? ये पुलिस स्टेशन है पुलिस स्टेशन, यहाँ जो मैं पूछूंगा सिर्फ उसी बात का जवाब दिया जाता है। सर ठीक है। ओके तुम्हारा रिलेटिव है क्या? नहीं सर। उसने तुम्हें मर्डर की सुपारी देके बुलाया था क्या? मर्डर? नहीं 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 सर। अरे अरे नहीं सर, नहीं सर, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही हम इसके रिश्तेदार है कोई। हम दोनों को बस एक रूम चाहिए था भाड़े। अच्छा, पर तो भाड़े पर रह रहे हो तुम? तुम्हारे उस नौकरानी के बीच में कोई संबंध है क्या? अरे सर मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं था सर, लेकिन उसका और उस नौकरानी का झगड़ा हुआ था सर, मैंने खुद अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था सर। इसके साथ ऐसा करता था सर, और हाँ सर इनके बीच कुछ तो था सर, ये जब नौकरानी को देखता था अपना होश गवा बैठता था और ऐसे चिपक जाता था, ऐसा ही करता था सर। नहीं सर वो लड़की तो अब कुछ नहीं बोल सकती है सर, ये हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है। हाँ सर कोई दुश्मनी निकाल रहा है ये पुलिस। चलो 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 शुरू करो। देखो देखो सर बोले। इसने बताया था ना कि वहाँ कोई चोर आया था। हाँ सर। तुमने चोर को देखा? नहीं देखा सर। तुमने चोर को देखा? अंधेरी रात थी सर। थू, चुप बेवकूफ। नहीं सर मैंने चोर को नहीं देखा। तुम सबसे झूठ बोल रहे हो कि वहाँ चोर आया था,
ताकि सब कोई बाहर निकल जाए और तुम उसको मार डालो। सर मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, उस घर में चोर आया था और हमने खिड़की के पास चुड़ैल को भी देखा था। भरोसा नहीं है तो आप इससे पूछ लीजिए। नहीं नहीं सर, इससे मत पूछिए, इससे मत पूछिए, मेरा मतलब उनसे पूछिए। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किससे पूछना है, इससे या उससे है? ए, इसको भी अंदर लेके जा और अच्छे से खातिरदारी करियो इसकी। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर मुझसे गलती हो गई सर, सर प्लीज सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए सर, मत मारिए, बहुत जोर की लग रही है सर। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ इतनी मेहनत से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और तू दांत दिखा रहा है मुझे। ए, मैं तुझे क्या कोई कॉमेडी नजर आ रहा हूँ? सर, मेरी चाय खत्म होने से पहले तुम मुझे सब बताओगे, नहीं तो मैं ये डंडा सीधा तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। सर मुझे चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं चाहिए सर। सुना क्या, इसे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे चाय कॉफी पिला रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी बात को ना बड़ा क्यों बना रहे हैं? यही न्याय है क्या सर? बहुत जोर की मार है। डंडा इसके मुंह में डालो। पूरी पुलिस टीम आधी रात से इंक्वायरी कर रही है और तुझे ये इतनी छोटी सी बात लग रही है? सर जब बीच जंगल में फार्म हाउस हो तो ये सब तो होते रहता है ना सर, खुजली मिटाने के लिए आप कुल्हाड़ी चला रहे हैं सर। तुम कैसे आदमी हो यार। सर उनके बदले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देता सर, सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए सर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मर्डर किसने किया? मैंने सर। सच में? मैंने मैंने किया सर। नहीं सर, सुनकर नहीं नहीं सर, सर सर बता मुझे सब डिटेल में बताइए। सर उस रात को है ना सर, ये सब लोग एक्चुअली बाहर गए थे और मैं भी उनके पीछे धीरे धीरे निकल गया था सर, लेकिन उधर कुछ नहीं था सर, लेकिन भरत कुछ ढूंढ रहा था सर, भरत ने मुझे सब बताया सर, मैंने भी ढूंढना शुरू किया सर, मैं दूसरी तरफ चला गया था और फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि हाथी बाहर जा चुका था। क्या बोला? हाथी सर, हाथी 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 सर। मुझे क्या पता बड़ा था या छोटा था सर। फैन 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 चलाओ, सर को गर्मी लग रही है। चुप कर, एक झूठ बोल रहा है, दूसरा बोलता है चुड़ैल थी, तीसरा कह रहा था कि चोर था और ये पुलिस को ये कहकर बेवकूफ बना रहा है कि वो हाथी था। इस समय रात के 3 बज रहे हैं, ये कॉमेडी का टाइम है। ए, इस नालायक को पकड़ो, बांधो इसे। छोड़ो मुझे सर, कुछ मत करो, छोड़ो। वो बहरा है सर, उसे छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये बहरा है? हाँ सर सच में, वो 100% नहीं 200% बहरा है वो। हाँ छोड़ो मुझे, कब से कह रहा हूँ मैं तुम लोगों को छोड़ो मुझे, लेकिन सुनी नहीं रहे कोई। वो हाथी को हमने बुलाया था क्या? वो खुद आया और खुद चला गया, हमें मारने से आपको क्या मिलेगा? ए, इसको सब इंस्पेक्टर किसने बनाया बताओ मुझे। सर सर मैंने गैंग मेंबर को अरेस्ट कर लिया सर। ठीक है शाबाश, लेकर आओ उन सबको यहाँ पर। ओके सर। ए, सीधा खड़ा रहा यहाँ पर, हिलना नहीं बिल्कुल। छोड़ो छोड़ो, सर इसके पास हथियार है सर। हथियार है?
हथियार जब्त करके इन सब के सबको अंदर डाल दो। ए, चलो सभी लोग जरा अपना पर्स निकालो। चलो अपना पर टोपी है सब यहाँ पे, सब रखे यहाँ पर, उतारो पर्स निकालो, सामान रखो यहाँ पे, जो भी है सब बाहर रख। चल अंदर चल, ज्यादा तेज बनने की जरूरत, दूर क्या रहा है बे, अंदर चलो। अरे चलना, छोड़ो मेरा हाथ। दादा इधर आओ। ए तुम लोग उठो यहाँ से। ए उठ, उठ। दादा बैठिए ना, बैठिए ना, आराम से बैठिए ना दादा। क्यों कर रहे हो ये? बैठिए बैठिए। दादा पैर ऊपर रखकर आराम से बैठिए ना दादा। बैंगलोर की पुलिस भी हमारे दादा को छू नहीं पाई अभी तक, तेरी क्या औकात है? हाँ सर, कमिश्नर भी हमारे दादा को नमस्ते करता और कमीशन देता है। पूरी दुनिया हमारे बॉस की मुट्ठी में है, पूरे अंडरवर्ल्ड में इनकी इज्जत है। सर तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई थी जो हमें अरेस्ट किया। दादा देखा ना, ये तो तूफान के आने के पहले की शांति लग रही है। ए सबका स्वागत करो। साहब कहाँ हैं? सर वो पूरी रात इंक्वायरी किए थे और सुबह होते ही घर निकल गए। तुम्हें पता है मर्डर स्पॉट कहाँ है? हाँ सर पता है। चलो मुझे लेके वहाँ पे। ओके सर। सिद्धांत। हाँ सर। सारे स्टाफ को स्टेशन बुलाओ अभी। श्योर सर। चलो। सर यहीं पे पहला मर्डर हुआ था, वो डेड बॉडी यहीं पर पड़ी थी। सर इसी गेस्ट हाउस में दूसरा मर्डर हुआ था। सारी रिपोर्ट हमने ले ली है सर। ये लोकल पुलिस स्टेशन से मिला है, फर्स्ट मर्डर है सर। विक्टिम का नाम नीलू है। मर्डर का टाइम रात के 10 से 11 बजे के बीच का है। नो फिंगरप्रिंट्स, नो एविडेंस। एक रस्सी से गले को दबा कर मारा गया है। इस लड़की का बैकग्राउंड? एसआई की रिपोर्ट के अनुसार फार्म हाउस में काम करती थी और वहीं रहती भी थी। सारे सस्पेक्ट्स के शू प्रिंट कलेक्ट करो। ओके सर। सर ये दूसरे मर्डर की रिपोर्ट है, विक्टिम का नाम ऐश्वर्या है। रिपोर्ट की माने तो वो अपने दोस्त के साथ कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आई थी। सर इस लड़की का रात को 11 बजे मर्डर हुआ है। एक बात और है, इसकी बॉडी पर हमें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले। इस लड़की का मर्डर कैसे हुआ? सेम सर, बिल्कुल पहले मर्डर जैसा। क्या ये ब्लड मार्क है? नो सर, वो बस रेड पेंट है सर। सर ये वो रिपोर्ट है जिसको एसआई ने बनाया है, इसमें पूरी डिटेल्स है। ठीक है, मैं इस बोर्ड की स्टडी करता हूँ, उन लड़कियों को यहाँ लेकर आओ। ओके सर। आद्या। हाँ सर। ऋषिका। हाँ सर।
आयशा तुम लोग की बचपन की दोस्त थी, ऐसा तुमने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, राइट? यस सर। हाँ सर। इस फ्रेंडशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्या? नहीं सर, नथिंग सीरियस। कॉलेज में उसका कोई बॉयफ्रेंड या कोई दुश्मन था? बिल्कुल नहीं सर। तुम लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए इस फार्म हाउस पे आए थे? हाँ सर। तो मुझे सब चीजें डिटेल में बताओ। जिस दिन हम लोग फार्म हाउस में गए, तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो लड़का ऊपर गया था उसी ने उस लड़की का मर्डर किया है, करेक्ट? हाँ सर। ये जब गुंडे वहां पे आए थे तब क्या समय हो रहा था? आधी रात हो गई थी सर। और तुम लोग के साथ वो जो दो लड़के उस फार्म हाउस में रुके हुए हैं, उन्होंने एसआई को बोला कि वहां पे चोर और चुड़ैल देखी है। आप लोगों ने भी क्या ऐसा कुछ वहां देखा है? नहीं सर। नो सर। नहीं। ओके। तुम दोनों मेरे प्राइम विटनेस हो। मुझे कुछ भी जवाब देने से पहले एक बार सोच लेना। सर, जब हम लोग फार्म हाउस जा रहे थे तो दो लड़कों ने आयशा के साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे सर। कौन थे वो? सर, वे लोग रत्नागिरी के एक छोटे से दुकान पर मिले थे सर। व्यवस्था कर दूंगी सर। तो ये सब तुम लोगों का प्लान था ना? एक झूठ बोल रहा है, दूसरा कहता है भूत आया है, तीसरा चोर के बारे में बता रहा है, लेकिन मर्डर तुमने किया। नहीं सर। अरे सर, इसी ने उन दोनों को मारा है। नहीं सर, तुम दोनों ही उनका मर्डर करने के लिए फार्म हाउस में आए थे सर, इन लोगों ने ही मिलकर मारा है। अरे उस नौकरानी के मर्डर के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम्ही ने उसका मर्डर किया है। तुम्ही हल्ला करना शुरू किया था कि चोर आया है, मर्डर तुमने किया है, मर्डर मारा है, तुमने किया है। मैंने कहा मारा है। तुम्हारा फार्म हाउस आने का मकसद क्या था? सर, डॉक्टर ने कहा था कि इसके कान के ऑपरेशन से पहले से किसी शांत जगह पर लेकर जाओ, तो हम यहाँ गए। सिद्धा। यस सर। जाके डॉक्टर से सारी डिटेल लेके आओ इसकी। ओके सर। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखना तुम लोगों की चमड़ी उखाड़ दूंगा मैं। याद से सही सही बताओ तुम सब वहाँ क्या कर रहे थे। शुरू हो जा। सर, हम दोनों मतलब जब नीलू का मर्डर हुआ तो तुम सब उस समय वहीं पर थे? हाँ सर। अच्छा, अगले दिन क्या क्या हुआ? जब वो गुंडे इस फार्म हाउस में आए थे तो उनके आने के पहले क्या कोई भी घर से बाहर या ऊपर की ओर गया? सर, हम लोग तो साथ में ही थे सर, मगर डोसा नागा ऊपर गया था। नहीं सर। सर, मैं मर्डर नहीं हूँ सर, मैं आपके पास पड़ता हूँ। सिद्धा। यस सर। ऐश्वर्या की बॉडी पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे हमें, ठीक है सर, इन सब के फिंगरप्रिंट्स को लेकर उससे मैच करो। ओके सर। सिद्धा, गन लोड करो मेरी। तुम लोग लड़कियों को किडनैप करने गए थे, फिर उसका मर्डर क्यों किया? सर, ये सब कुछ सीना का किया धरा है, उसी ने हमें उन लड़कियों को किडनैप करने के लिए कहा था, उसी ने मर्डर किया है। इतना कॉन्फिडेंट कैसे? सर, उसी ने हम सबको किडनैप करने के लिए यहाँ बुलाया था, उसने कहा कि उसके पास कोई प्लान है, और उसने हम सबके लिए दारू भी मंगवाई थी, और उसने हम सबसे कहा कि हम लोग खूब एंजॉय करें। तो करो ना एंजॉय। उन लड़कियों को किडनैप करने के लिए अगर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो? ए,
वहाँ नेटवर्क नहीं रहता जो कोई फोन करेगा। और अगर वहाँ लैंडलाइन हुआ तो? मैंने वहाँ खुद देखा है। अगर हम तार काट दे तो? कैंपस में जाकर फोन का तार काट दो। अरे इसकी तो चल। वो लोग कौन थे? वे लोग जब हम लोग फार्म हाउस में जा रहे थे तो रास्ते में हमारे बीच कहा सुनी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग दौड़ते हुए भागे। ये दादा किधर हैं? दादा अभी तक वापस नहीं आए हैं। तार काट दिया ना तुमने? नहीं, हम बोल पर नहीं चढ़ पाए। तू है तुम लोगों पे, किसी काम के नहीं हो तुम लोग यार। दादा इधर आते हुए सुबह में हम जिन लड़कों से लड़ाई किए थे हमने देखा कि वे फार्म हाउस से निकल रहे थे दादा। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ दादा। थु, थु तुम लोगों पर। चलो पेट्रोल का कैन लेकर चल के पोल को जला डालते हैं। ठीक, उसके अगले दिन क्या हुआ? सर उनको किडनैप करने के लिए हम लोग फार्म हाउस गए और हमने हर किसी को कब्जे में भी कर लिया था। उसके बाद सीना ऊपर गया, उसके बाद पता नहीं सीना के साथ क्या हुआ, वो दौड़ता हुआ नीचे चला आया और वो बहुत बुरी तरह से डरा भी हुआ था सर। ये किडनैप की सुपारी किसने दी थी? हमें कुछ नहीं पता सर। हा? ये आपको सीना ही बता सकता है सर। ठीक सिद्धा। यस सर। इनको लेके जाओ और इनपे केस फाइल करो। ओके सर। बस इस रेट जितना वक्त है तुम्हारे पास। तुम दोनों साथियों को दारू पिलाकर अकेले ही निकल गए थे ना, उसी वक्त नौकरानी का मर्डर हुआ। अगले दिन तुम अकेले ही ऊपर गए और उस लड़की को भी मार डाला। नहीं सर, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। तुम मर्डर करने के लिए ऊपर गए थे, इसके लिए मेरे पास 6-6 विटनेस है और तुम्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए इतना काफी होगा दोस्त। सर मेरे ऊपर जाने के पहले उस लड़की का मर्डर हो गया था सर। सर किसी ने मुझे फोन करके कहा था कि मुझे उन लड़कियों को किडनैप करना है। काम पूरा होने पर उसने कहा कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। मैं लालच में आकर काम करने को बोल दिया सर। उसके बाद मैंने एक टीम बनाई थी। पहली बार जब हम गए तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए सर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। दूसरी बार वहाँ एक लड़की मिसिंग थी, उसी को ढूंढने के लिए मैं ऊपर गया था सर, लेकिन वो पहले ही मर गई थी, इसीलिए मैं घबरा कर नीचे आया सर। मैं सबको बोला जल्दी भागो यहाँ से, मैं बहुत डर गया था सर, मैंने खून नहीं किया। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पहुँचने के पहले ही उस लड़की का खून हो गया था? हाँ सर, हाँ सर ऐसा ही है सर। तुम लोगों ने गेस्ट हाउस पे धावा कितने बजे बोला? रात ही सर, आधी रात हो गई थी सर। जाओ तुम। थैंक यू सर, नमस्ते। सिद्धा। हाँ सर। इसके और उसके गैंग के गुंडों के शूज के निशान लो। फाइन सर। साइट से जो चीजें मिली थी वो लेके आओ। ये रिंग आयशा की है ना? नहीं सर, ये उसे रास्ते में मिला था। वो जगह पता है तुम्हें? पता है सर। लेके चलो मुझे। सर आयशा इधर ही गई थी।
कार्तिक। हाँ सर। इस जगह को जल्दी खुदवाओ। सर हमें एक डेड बॉडी मिली है। ऐसा है? कार्तिक। हाँ सर। पोस्टमार्टम के लिए भेजो इसे। ओके सर। सर आशा को परेशान करने वाले लड़के वही हैं। रुक 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 रुक, चल रिवर्स मार। मधु। यस सर। तुम्हारी तरफ दो लड़के जा रहे होंगे, पकड़ो उन्हें। जल्दी जल्दी करो तुम लोग। ओके। आपको बताना पड़ेगा। जाने दीजिए सर। सर 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 बताइए, आप क्या जानते हैं? दोनों मर्डर के पीछे किसका हाथ है? किस वजह से हो रहा है सर? सर कुछ तो बताइए सर। सर कहना चाहेंगे? आप चुप क्यों सर? बात करने से बोलते क्यों नहीं? चल ज्यादा उससे मत दिखा। डैडी। ए, तुम्हारे पास जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है? रात में मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन में रखते हो, कैसे इंस्पेक्टर हो? ऐसे ड्यूटी की जाती है क्या? देखिए सर, तीन दिन मर्डर हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे जब तक इन्हें यहाँ पे रखना होगा, मैं यहाँ जरूर रखूंगा। कहना क्या चाहते हो? मेरी बेटी ने मर्डर किया है? इंस्पेक्टर तुम एक पब्लिक सर्वेंट हो, तुम्हें पहले ये सीखना चाहिए कि पब्लिक से कैसे निपटते हैं, समझे? हत्यारे को ढूंढने के बजाय तुम कुछ और ही कर रहे हो। मैं भी होम मिनिस्टर जी से बात करूंगा। जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो भी मेरी बेटी की ही तरह थी, समझ गए? चलो बेटी। सर दो दिन में दो मर्डर हुए हैं, आप कुछ बताएंगे? दो नहीं, तीन मर्डर हुए हैं। छह महीने पहले एक मर्डर हुआ था, वो भी आज प्रकाश में आया है। इस केस के बारे में मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पता लगाया है। सर हम लोग जब फार्म हाउस में जा रहे थे तो हमारा इन्हीं से झगड़ा हुआ था सर। जिस रात हम लोग तार काटने गए थे उस रात यही लोग फार्म हाउस से दौड़ते हुए निकल रहे थे सर। यही है सर। बदमाश, तुम लोग की वजह से मुझे आज पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है। सर ओके सर, हम पता लगा रहे हैं। सर अम्मा याद आ रही है? अब तुम्हें अपने माँ बाप सब याद आ रहे हैं? जब तुम जैसे लोगों की सुताई की जाती है ना, तभी तुम लोगों को अपने माँ बाप की याद आती है। सर माँ के सब मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता सर। पहले तुम लोगों ने उस लड़की के साथ बदसलूकी की और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया तुमने, बदतमीज। सर माँ के सब मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। तो तुम लोगों को कुछ नहीं पता है? नहीं नहीं सर। अरे अरे छोड़ दो। आधी रात हो गई थी सर। आधी रात से थोड़ा ज्यादा समय हो रहा था सर। कहाँ हो तुम? बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला। सर हमने उन दोनों से काफी पूछताछ की मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन लोगों को जाने दो। देखो ये एक बहुत ही डिफरेंट केस है। देखो हर केस के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, लेकिन इस केस के पीछे मुझे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आता। इसीलिए हम किसी एक के ऊपर डाउट करके आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते। सर मुझे तो लगता है कि गैंग लीडर ही हत्या कर रहा है। अगर इसने इनका मर्डर किया होता तो इसके शूज के निशान उस मर्डर स्पॉट पर जरूर हम लोगों को दिखाई पड़ते, लेकिन पूरे गैंग में से किसी के भी जूतों के निशान मैच नहीं करते। ऐसा लगता है इनके अलावा भी उस स्पॉट पे कोई आया था। अगर हम दूसरे केस की बात करें, ये गैंग लगभग 12 बजे के आसपास वहां पे पहुंचता है, लेकिन इस लड़की की हत्या 11 बजे तक हो जाती है, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। अगर इस गैंग ने इस लड़की को 11 बजे मारा है तो फिर वो आखिर एक घंटे के बाद वापस इस जगह पे क्यों आए और डर के वापस वहां से क्यों भागे? साथ ही साथ इस लड़की के गले पे जो लाल पेंट मिला है, इसके फिंगरप्रिंट्स और इस गैंग के फिंगरप्रिंट्स दोनों ही पूरी तरीके से मैच नहीं करते। सो आई एम वेरी मच श्योर कि इस जगह पे भी कोई और आया था। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मर्डरर है। सर हमने आज जिन लड़कों को पकड़ा है उनके बारे में क्या कहेंगे? इनके साथ भी वही बात है। देखो ये मर्डर फार्म हाउस के बाहर किया गया था। वो लोग नौकरानी को बाहर ले जाकर क्यों मारते और फिर फार्म हाउस में क्यों जाते बोलो?
चलो मान लेते हैं कि किसी ने चोर चोर चिल्लाया और वो भागने की कोशिश करने लगे, उसी वक्त नौकरानी ने उन्हें देख लिया, इसीलिए उन लड़कों ने नौकरानी को मार दिया। लेकिन उसी समय इस गैंग के दो आदमी फोन का तार काटने के लिए कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सभी ने एक दूसरे को देखा और दोनों गैंग एक दूसरे के ऑपोजिट भागे। इसका भी प्रूफ है, मतलब उन लड़कों ने यह मर्डर किया, इसका कोई चांस नहीं है। एसआई के स्टेटमेंट के अनुसार शंकर का अक्सर उस नौकरानी के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ ही करता था। इसका एक आई विटनेस भी है। अगर कोई साधारण आदमी मर्डर करता है तो डर कर वो स्पॉट से भाग जाता है, लेकिन असली मर्डरर ने सबूतों को मिटाने के लिए वहां अच्छे से टाइम दिया और सारे सबूतों को मिटाया। मतलब मर्डरर ने बॉडी पर से कपड़े की हेल्प से सारे फिंगरप्रिंट्स को साफ किया, और ये सब करने में मिनिमम 15 मिनट का समय तो लगेगा। लेकिन इन लड़कों में से कोई भी 15 मिनट के लिए एक दूसरे से अलग नहीं हुआ। इनमें से एक चोर चोर चिल्लाया था, जब वो लोग बाहर पता करने लग गए तो इनमें से एक चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाया, फिर ये सब जल्दी से उसके पास पहुंचे। उसके बाद ये लोग डरकर फार्म हाउस से बाहर की ओर भाग गए, और उसके अगले दिन, मतलब जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था, तो ये विंडो के बाहर एक चुड़ैल देखकर चीखता है, फिर सभी लड़कियां ऊपर से आकर के इन पे चिल्लाती हैं। जब किडनैपर गैंग उस घर में पहुंचता है तब तक सभी लड़के वहीं पर थे। इस केस की इंक्वायरी के दौरान पूछताछ में सबने यही कहा है, इनफैक्ट इंडिविजुअल पूछताछ की गई तब भी यही बोला इन लोगों ने। इसीलिए इन्होंने उस नौकरानी का मर्डर किया होगा, इसका कोई चांस नहीं है। और अब इन लड़कियों की बात करते हैं। ये लोग तो पहले दिन नीचे आए ही नहीं है, क्योंकि नीचे लड़के रहते थे, और दूसरे दिन ही इनके आपसी गिले शिकवे दूर हो चुके थे, तो मर्डर का ख्याल इनके दिमाग में आने का सवाल ही नहीं। फिर ये मर्डर आखिर किसने किया होगा सर? देखो दोस्त, चार इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आए हैं। पॉइंट नंबर वन, जो ये पहला मर्डर है वो 6 महीने पहले हुआ, इसका कोई एविडेंस नहीं है, और दो मर्डर अभी हुए हैं एक ही सर्कमस्टेंसेस में। एक डेड बॉडी के ऊपर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जबकि दूसरे पे नहीं मिले हैं, इसीलिए हमें नहीं पता कि ये सब खून किसी एक ने किए हैं या अलग अलग ने। पॉइंट नंबर टू, ये जो तीन लड़कियों को तुम देख रहे हो, इन तीनों को किडनैप करने के लिए किसी ने लोकल गुंडों को सुपारी दी, वो भी इनके फार्म हाउस तक पहुंचने के पहले ही। वो जो भी होगा इन्हें जानता होगा। एंड पॉइंट नंबर थ्री, हम लोग भूत प्रेत पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन इस पूरे केस में चुड़ैल 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 की बात कही गई है। अभी आखिर चुड़ैल वाला व्यक्ति कौन है हमें नहीं पता। एंड पॉइंट नंबर फोर, एक ही जैसी है रिंग। ये जो दो रिंग है, इनमें से एक रिंग वो नौकरानी पहना करती थी, इसका मर्डर हो गया, और सेम टू सेम ऐसी ही एक और रिंग आयशा पहनती थी, उसका भी मर्डर हुआ है। लेकिन आयशा को ये रिंग मिली थी, और जहां ये रिंग मिली थी हम सभी वहां पे गए, तो हमें वहां पर एक अनजान डेड बॉडी मिली। वो डेड बॉडी किसकी थी और इस रिंग का रहस्य क्या है, कुछ नहीं पता। इट्स वेरी मेसी एंड कंफ्यूजिंग, बट मेरे सोच में इनमें से कोई मर्डरर नहीं है। इट्स ओके गाइस, हम जितनी इंक्वायरी कर सकते थे हमने की, कल विक्टिम के घर जाकर के हम फिर से इंक्वायरी करेंगे। कुछ पता चला क्या सर? ऐश्वर्या को जितने लोग जानने वाले थे हमने सबसे बात की, किसी ने भी गलत नहीं कहा उसके बारे में। अगर बुरा ना माने तो कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पूछिए। मुझे बताइए कि आपके बिजनेस में कोई दुश्मनी है आपकी, सोच के बताइएगा। ऐसा क्यों? उन लड़कियों को किडनैप करने के लिए वहाँ के लोकल गुंडों को सुपारी दी गई थी। तो ये बात है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। इस बात का मुझे अंदाजा नहीं है सर। हमसे पहले आने वाले गेस्ट को कॉफी दी थी, हमें नहीं देंगे आप? किरण जी, जरा चार कॉफी लेके आओ। बन गई है, लेकर आता हूँ। ये किरण कौन है? मेरा भतीजा है सर, बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया हूँ।
बाहर जो बाइक खड़ी है वो किसकी है? इसी की बाइक है सर। सर छोड़िए। इंक्वायरी के बाद बताऊंगा। अरे सर सर सुन सुन निकाल बाहर साले को। सर 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 प्लीज सर सर मुझे मत मारिए सर प्लीज। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम भी यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। नहीं करूंगा सर। सुमन फाइल कहाँ पे है? अभी लाता हूँ। बेंगलोर में बिल्कुल भी बारिश नहीं थी लेकिन हिमगिरी में बारिश हुई थी। बेंगलोर में रहते तो तुम्हारी बाइक के मडगार्ड और टायर में कीचड़ नहीं लगता। इसका मतलब तुम्हारी बाइक हिमगिरी गई थी। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना बेटा? देखो ये आयशा की फोटो है जिसका मर्डर हुआ। इस फोटो में ये खून जो है वो गर्दन के दाएं साइड में लगा है और यहां से होते 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 ही नीचे की ओर आया है। इसका मतलब कातिल लेफ्ट हैंडेड है। तेरा भी कॉफी देते वक्त लेफ्ट हैंड चला था ना, है ना? हाँ सर। इस फोटो में एक और खास समझने वाली बात है। ये ब्लड के धब्बे नहीं है, रेड कलर है। विटनेसेस का कहना है कि ये जो रेड कलर है वो चुड़ैल के हाथों में भी लगा हुआ था, तुम्हारी उंगलियों में भी, क्योंकि चुड़ैल बनने का नाटक तो नहीं किया था। सुनो, अगर तुम मुझे सब कुछ डिटेल में बता दोगे तो इस केस में तुम्हें बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर 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 मैं अनाथ हूँ सर। अंकल ने मुझे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं सर। जब उसे कॉलेज से लेट होता था तो वो मुझे कॉल करती थी, मैं उसे पिक करता था। मेरे दिल में उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं थी सर, लेकिन एक दिन जब मैंने उसे उसके फ्रेंड के घर से पिक किया था, हम दोनों भीगे हुए थे। उस दिन हम दोनों से गलती हो गई थी सर। मुझे लगने लगा था कि आयशा मुझे लाइक करती है सर, पर ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई सर कि वो मेरा फायदा उठा रही थी। यही बात है सर। एक दिन प्लीज मेरी बात तो सुनो। ए कुत्ते, तुम हमारे घर के सिर्फ एक नौकर हो समझे? मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज एक बार तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ आयशा। मेरा हाथ छोड़ो। अगर फिर से मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत की तो मैं अपने डैडी से कंप्लेन कर दूंगी, वो तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे। उसने मुझे धोखा दिया था सर। मैं हर दिन उसको मारने का इंतजार में रहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर शक करे। कंट्रोल किया। एक सुबह आयशा अपने डैडी को बता रही थी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ फार्म हाउस जा रही है। तभी मैंने फैसला कर लिया कि यही अच्छा मौका है। ठीक है बेटा, तुम जाओ। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अंकल बता रहे थे कि आयशा की शादी करनी है। आयशा की भी शादी, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया था। मैंने आयशा को मारने का फैसला कर लिया। काफी टॉर्चर किया था उसने मुझे सर, और उसी शाम में हिमगिरी फार्म हाउस जाने के लिए निकल गया था सर। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे पहचाने, इसलिए एक लेडी ड्रेस ले गया। मैं ड्रेस चेंज कर रहा था, उसी वक्त बाथरूम में कोई मेरे पीछे आ गया। मैं डर गया कि वो मुझे देख ना ले, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर वहां रखा पेंट लगा लिया था सर, ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। और जब उसने मुझे पीछे से टच करने की कोशिश की तो मैंने चुड़ैल नाटक कर दिए, उसे डरा दिया था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसी गेटअप पर रहूंगा तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा, लोग सोचेंगे चुड़ैल ने मार डाला। इसलिए मैंने और डरावना रूप बना लिया और आयशा का वेट करने लगा सर। उस समय तीनों लड़कियां बाहर पढ़ाई कर रही थी। दो लड़कियों के चले जाने के बाद मैं आयशा को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर अचानक वो पीछे मुड़ गई, इसलिए मैं झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसके कुछ देर बाद ही मैंने दो आदमियों को मंकी कैप पहने हुए अंदर जाते हुए देखा। उनमें से एक दौड़ते हुए घर से बाहर भागा, उसके बाद वो दोनों भाग गए। फिर तीन लड़के घर में से बाहर निकले, उनमें से एक सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। उसी समय एक गाड़ी की रोशनी मुझ पर पड़ी। मैं डर गया था कि वो कहीं आदमी मुझे देख ना ले, इसलिए मैंने उसको भी डरा दिया था सर। जब सभी लोग अंदर चले गए सर, तो मैं बेंगलोर वापस आ गया सर। तो इन सारी बातों का मतलब कि नीलू का कत्ल तूने नहीं किया है? सर नीलू कौन थी सर? उसी फार्म हाउस के बाहर एक और मर्डर हुआ था। मुझे एक बात बता, उन लड़कों के अलावा तुमने किसी और को देखा वहां? मैंने नहीं देखा सर। ठीक है, आगे बताओ। अगले दिन जब मैं फार्म हाउस पहुंचा तो वहां पुलिस वाले थे सर। उन लोगों को डराने के लिए
मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए सर, क्योंकि उन्हें भगाए बिना मैं आशा को नहीं मार सकता था सर। जब किसी ने मेरे पर टॉर्च मारी तो मैंने उन्हें भी डरा दिया। घुंघरू की आवाज निकालते हुए पुलिस की तरफ बढ़ा, वो लोग भी डर कर भाग गए। फिर मैंने आशा का चैप्टर खत्म करने के लिए धीरे धीरे फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक आदमी फार्म हाउस के बाहर बिना डरे वो सामने से आ रहा था सर। मुझे लगा कि वो आयशा का बॉयफ्रेंड है, फिर मैंने उसको भी डरा दिया सर। और जब मैं आयशा के रूम की तरफ बढ़ा तो बाकी दोनों लड़कियां आपस में कुछ डिस्कस कर रही थी। उसके जाने तक मैं नीचे ही वेट करने लगा सर, और उनके जाने के बाद मैं आयशा के रूम की तरफ गया सर। वहाँ कितनी देर वेट किया तूने? लगभग आधे घंटे के आसपास सर। उसके बाद? आयशा को मारने के लिए मैं उसके रूम की तरफ बढ़ने लगा सर। वहाँ पहले से ही किसी ने एक सीढ़ी लगा रखी थी सर। मुझे गुस्सा आया सर, मुझे लगा आयशा ने सीढ़ी लगाई थी सर। और मैं जब सीढ़ी से ऊपर पहुंचा तो दरवाजा खुला था सर। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा, लेकिन वो हिल नहीं रही थी सर, ना कुछ रिएक्ट कर रही थी सर। मैं घबरा गया सर, मुझे शक हुआ तो मैंने उसकी सांसें चेक की, मगर आयशा तो पहले से ही मर चुकी थी सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए वहीं बैठकर रोने लगा। फिर मुझे कमरे के बाहर किसी के आने की आहट हुई, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे जाकर छिप गया। तभी वहाँ एक आदमी आया और आयशा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डर गया। जब उसको हकीकत पता चली तो वो भी डर गया। और जब मैं वापस आने के लगा तो वहाँ सीढ़ी गायब हो चुकी थी सर। मैं कैसे भी उतर कर वापस बैंगलोर चला गया सर। इतना ही हुआ था सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए सर। यही आदमी आयशा के कमरे में आया था ना? हाँ सर, यही था सर। इसे गाड़ी में बिठाकर स्टेटमेंट ले लो। ठीक है सर। हे चलो। सर आप इसकी बात कैसे मान रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता यही मर्डर है? इधर आओ। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? तुम्हारा हाथ कहाँ पे है? सर आपसे बचने के लिए मैंने आपका हाथ पकड़ा है। बिल्कुल, मान लो कि वो लड़का मैं ही हूँ, उसके हाथ में पेंट लगा था। और एक बात, अगर उसने आयशा को मारा होता तो आयशा ने भी उसका हाथ ऐसे ही पकड़ा होता। हाँ। तो उसके हाथ में भी कलर लगा होता, राइट? हाँ सर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके हाथ में कहीं पेंट नहीं है, तो इसके वहां पहुंचने के पहले ही किसी ने उसे मार दिया था। चलो स्टेशन चलते हैं। हाँ ठीक है सर, इसकी डिटेल्स लीजिए। हाँ सर। अपना नाम बताओ। मैडम ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? तुम्हें इससे क्या मतलब है? अपना नाम बताओ। मैडम ये कवर आपको अंकल ने दिया क्या? ये सभी चीजें सस्पेक्ट से रिलेटेड है। नहीं मैडम, ये लिफाफा तो मैंने अंकल को दिया था। आपके भतीजे के अनुसार मेरे रूम में एक लिफाफा पड़ा होगा, उसमें 1,00,000 रुपए डाल के ले आओ। ठीक है अंकल। हमें एक लिफाफा वहां के लोकल गुंडों से मिला, ये लिफाफा तो आप पहचान ही रहे होंगे। सो केस इज वेरी सिंपल। देखिए आपका मुंह खुलवाने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग जो हैं आप पर दूसरा वाला मेथड अपनाना नहीं चाहते। तो क्या क्या कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ हमें डिटेल में बता दीजिए। मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ था, मैं दिवालिया हो गया था, मेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन मेरे कर्जदार बैंक वाले मुझे और मेरे घर को छोड़कर सब कुछ लेके चले गए। उस वक्त डैड, क्या मैं आदिया के साथ उसके फार्म हाउस जा सकती हूँ? मेरी बेटी ने बताया कि वो एक प्रोजेक्ट के लिए जा रही थी, उसी वक्त मैंने उसकी किडनैपिंग के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे। मेरा प्लान ये था कि उन लड़कियों को किडनैप करके मैं 20 करोड़ रुपए फिरौती मांगूंगा सर। लेकिन ऊपर वाले ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया सर। ये हुआ था सर, बाकी तो आप सब जानते ही हैं।
नीलू हमारे फार्म हाउस में काम किया करती थी। नहीं सर, हमने सिर्फ रूम रुकने के लिए लिया था और हमने उसका पैसा भी दिया था सर। सिद्धा। यस सर। फार्म हाउस के मालिक को इंक्वायरी के लिए बुलाओ। सर वो बहुत पावरफुल आदमी लगता है सर। चाहे वो जो भी हो, बुलाओ इंक्वायरी के लिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सबसे पहले ये बताओ। आपको यहाँ बुलाने का कुछ कारण है। फार्म हाउस में एक मर्डर हुआ है, फार्म हाउस के बाहर भी एक मर्डर हुआ है, 6 महीने पहले भी एक मर्डर हुआ था। इन तीनों मर्डर्स का आपके फार्म हाउस से कुछ लिंक है। इंस्पेक्टर, तुम ये कहना चाहते हो कि वो मर्डर मैंने किए हैं? उस फार्म हाउस के ओनर तो आप ही है ना? हाँ, तो क्या हम लोग किसी के ऊपर भी डाउट कर सकते हैं सर, और इंक्वायरी करना हमारी ड्यूटी है। लाना था तुम्हारे डाउट पर। फार्म हाउस गए हुए मुझे लंबा वक्त हो गया है। हत्या के दिन आप कहाँ थे? ये मैं नहीं बता सकता, दैट्स पर्सनल। देखिए, आप पर डाउट बढ़ता जा रहा है। शक के आधार पर आप मुझे क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं, कानून मुझे भी पता है। मगर उस दिन मैं फार्म हाउस नहीं गया था, ये बात मैं अच्छे से साबित कर सकता हूँ। और वो कैसे कर सकते हैं? फार्म हाउस के सामने जो रोड गई है वो सीधा वाटरफॉल तक जाती है। वाटरफॉल तक पहुंचने से पहले चेक पोस्ट पर पहले रजिस्टर कराना पड़ता है। पता कर लीजिए, मेरी गाड़ी नहीं गई होगी। बोलिए सर। सीधा कहाँ हो तुम? स्टेशन पर चाय की दुकान पर हूँ सर। उस चेक पोस्ट के पास ही हो ना? चेक पोस्ट से जितनी भी गाड़ियाँ पास हुई हैं उनका रिकॉर्ड निकाल के लाओ जरा। इट्स अर्जेंट। ठीक है सर। आप जा सकते हैं। सर पूरा डेटा देख लिया है सर। सर फार्म हाउस का मालिक और उसकी फैमिली जितनी भी गाड़ियाँ यूज करती थी उन सबकी लिस्ट है। लास्ट 15 डेज में उनकी कोई भी गाड़ी चेक पोस्ट से नहीं गुजरी है, बस उस कार को छोड़कर जो लड़कियां लेकर गई थी। एक्सपेक्टेड आंसर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन रात के टाइम में कोई पैसेंजर बस भी नहीं गुजरती, लेकिन मर्डरर ने किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल जरूर किया है। मान लो मर्डर जो है वो 10:15 बजे हुआ हो, तो किसी को भी उस फार्म हाउस से चेक पोस्ट तक जाने के लिए आधा घंटा लगेगा, राइट? तो पता करो 10:45 से 11 बजे के बीच कितनी गाड़ियां उस चेक पोस्ट से क्रॉस की। सर लगभग 20 गाड़ियां पास की हैं। ओके। उसके बाद जो दूसरा मर्डर है वो हुआ 11 बजे के आसपास, जिसमें आधा घंटा जोड़ दो तो पता लगाओ 11:30 से 12 बजे के बीच में कितनी गाड़ियां वहां से पास हुई। सर लगभग 10 गाड़ियां पास हुई हैं। ओके। अब ये पता लगाओ कि सेम नंबर की गाड़ी 2 दिन पास की है क्या? सर KA03MZ1567 ये गाड़ी दोनों दिन पास हुई है। ये पता लगाओ कि क्या इसी नंबर की गाड़ी 6 महीने पहले भी इधर से निकली थी? यस सर, 4 जनवरी को शाम 6 बजे ये गाड़ी फार्म के अंदर गई थी और फिर 8 बजे वापस आ गई थी। एक्सलेंट। ये जो कार है वो कातिल की कार है। सीधा इस कार की सारी डिटेल्स RTO से कलेक्ट करके लाओ। ओके। ये क्या? टीम को रेडी करो, लेट्स मूव। विस्की की बस एक ही बोतल है, मगर हियर कितनी सारी बोतलें हैं। सिद्धा। सर ये जो विस्की बोतल है
किस लीकर शॉप से डिलीवर हुई है पता कर सकते हो? यस सर। पहले ये पता लगाओ कि लीकर शॉप कहाँ है। ओके सर। सीसीटीवी फुटेज की डिटेल्स कलेक्ट करो। ओके। और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर वो विस्की बॉटल आरआर नगर कदम्बा लिकर मॉल से खरीदी गई थी और उसका बिल क्रेडिट कार्ड से किया गया था। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ये है सर। एक शॉकिंग न्यूज और है सर, ये कार्ड फार्म हाउस के मालिक की बेटी आद्या की है। क्या कार्तिक और तुम सर, मधु, अक्षय, उस लड़की के घर जाकर लड़की के बारे में इंक्वायरी करो। एक और टीम रेडी करो, हम कॉलेज जाएंगे। श्योर सर। श्योर सर। या कम, क्या चाहते हो? आपकी बेटी आद्या कहाँ है? किस लिए? आपको नहीं बता सकता, उससे कुछ इंक्वायरी करनी है। ना एविडेंस है ना वारंट पेपर है, ये तमाशा चल रहा है क्या? हमारे पास एविडेंस है सर, कहो तो दिखा दूं। सच में एक भी एविडेंस दिखाओ, मैं अपने आप उसे लेके आऊंगा पुलिस स्टेशन। जाओ अब। एविडेंस चाहिए? मर्डरर के घर से हमें एक विस्की की बोतल मिली जो आपकी बेटी के क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था। अब बताइए कहां पर है वो? वो तो कॉलेज गई है सर। आद्या कॉलेज गई है। मैं कॉलेज के आसपास में ही हूँ, चेक करके बताता हूँ। ओके सर। तुम स्टेशन चले जाओ। सर क्या है ये सब? सच बताओ, क्या ईशा को क्यों मारा तुमने? सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं उसको क्यों मारूंगी? मर्डर तो नहीं किया लेकिन तुम उसमें शामिल हो। उसके एक दिन पहले नीलू के मर्डर में भी तुम्हारा ही हाथ था, और तो और 6 महीने पहले भी एक मर्डर हुआ और तुम चाहती थी कि तुम इसमें ना फंसो, इसलिए तुमने डेविड की सुपारी देके उसे मरवा दिया। हुँ? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? ओह क्लियर बताना होगा, तुम्हारे अपने क्रेडिट कार्ड से विस्की की बोतल मॉल से खरीदी गई थी और वो विस्की की बोतल डेविड के घर से बरामद हुई है। डिटेल में और बताना होगा। सर मेरे एटीएम कार्ड से। हाँ तो ओहो, ये नया तमाशा है ना? सर कसम से सर, मैं वो एटीएम कार्ड यूज ही नहीं करती हूँ, वो मैंने अपनी माँ को दे दिया था सर। डियर आद्या, मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता देना चाहिए था। भाई बताने के लिए मैं तुम्हें ये खत लिख रहा हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैंने पूरी दुनिया से छिपाकर अपने फार्म हाउस में रखा था, ऐसा करके मैंने तुम्हारी देवी तुल्य माँ को धोखा दिया था। एक दिन चीनू ने मुझे फोन करके बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वहां गया तो नौकरानी ने दरवाजा खोला, मैंने उसको कुछ रुपए दिए और कहा कि अपने घर चली जाए, कुछ दिन के लिए घर चली जाओ। जी सर। मैं अपनी गलती के लिए चीनू से माफी मांगना चाहता था। चीनू आपके लिए मेरे पास। चीनू ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, इसके लिए उसने 2 एंगेजमेंट रिंग भी खरीदी थी। हमने एक दूसरे को रिंग तो पहना दिए, पर मैं चीनू को सच्चाई बताना चाहता था। रिंग तो ठीक है चीनू, लेकिन तुम ये बच्चा क्या सच में चाहती हो? वो शादी करने के लिए जिद करने लग गई, मुझे गुस्सा आ गया। मेरी वाइफ अभी जिंदा है और मेरे घर में एक जवान बेटी भी मौजूद है। हा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना भी चाहता तो उसके लिए काफी देर हो गई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तुम्हें मीडिया में लेकर जाऊंगी। मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था मगर वो। मैं तुम्हें एक वेश्या लगती हूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। गुस्से में आकर मैंने ऐसा करने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, मानो उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपनी गलती छिपाने के लिए हेलो डेविड, एक हत्यारे डेविड को कॉल किया। जितना जल्दी हो सके फार्म हाउस में पहुंचो। लेकिन मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। नौकरानी को लगा कि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए वो अपने कुछ मिठाइयां और फूल लेके वापस आ गई। मैं इतना टेंशन में था कि मुझे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा मैं एक और मुसीबत में फंस गया। मैडम जी, मैडम जी। उसी समय डेविड भी वहां पहुंच गया। तब मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, मुझे नीलू को चुप कराना था, इसलिए मैंने उसको धमकी दी। अगर तूने अपना मुंह खोला तो तेरा भी यही हाल होगा। मैंने उसे कुछ पैसे देने का वादा किया। अगर तू चुप रहेगी तो फार्म हाउस तेरा।
और मैंने एंगेजमेंट रिंग भी उसको दी थी और उसे शांत करा दिया। मैंने डेविड को कहा कि वो चीनू की बॉडी को ले जाकर दफन कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, फिर भी मैं एक और गलती करने जा रहा था। मैंने अपनी नौकरानी से भी संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसके 6 महीने बाद मेरा उल्टा समय शुरू हो गया। चीनू ने जो रिंग पहनी थी अचानक से वो फार्म हाउस में वापस आ गई। कौन सी रिंग? एक रिंग आपने मुझे पहनाई थी, एक रिंग आपने चिंटू मैडम को पहनाया था, मुझे सब अच्छे से याद है। डरो मत नीलू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी कोई गलती नहीं थी, आपने ही मैडम जी का मर्डर किया है। आज मुझे मैडम के हाथों की रिंग आपकी बेटी के कमरे में मिली है। रात को 10 बजे फार्म हाउस के मेन गेट पर आना और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम लोग फोन पर जो बातें कर रहे थे वो सब आपकी बेटी की फ्रेंड ने सुन ली। मैं सब जानती हूँ किसने किसके साथ क्या किया है। अगर ये बात वो किसी को बता देगी तो क्या? एक मर्डर छिपाने के लिए मैंने एक और मर्डर करने का फैसला कर लिया। मैं ये श्योर नहीं था कि आयशा ने हमारी बात सुनी थी कि नहीं सुनी थी, लेकिन एक विटनेस और हो गई थी। अंदर आयशा होगी, उसको मार डालो। सब कोई बाहर है सर, ये काम कल करेंगे। और अगले ही दिन डेविड ने आयशा को भी मार डाला। आयशा के मर्डर के 3 दिन बाद आगे बोलते रहिए। वाटरफॉल्स तक पहुंचने से पहले चेक पोस्ट पर रजिस्टर करना पड़ता है। पुलिस को चेक पोस्ट की डिटेल्स देने के बाद मैं डेविड से छुटकारा पाने के लिए उसके घर गया। मैंने सफाई से काम कर दिया है, पेमेंट क्लियर कर दीजिए। पेमेंट तो ठीक है, मगर पुलिस ने मुझे स्टेशन बुलाया है तो एक छोटी गलती कर दी तुमने। चांस ही नहीं है सर, मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप फिर इससे मुझे एक खीरा दे सकते हैं। डेविड को लगता था कि वो स्मार्ट है और उसने अपने ग्लास की अदला बदली कर ली, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने खीरे में जहर का इंजेक्शन लगा दिया था। अगर तुमने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा है तो पुलिस मुझ पर शक क्यों कर रही है? बताओ, मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ सर उस दिन क्या हुआ था। जब उस दिन मैं फार्म हाउस में गया था वो लड़की फर्स्ट फ्लोर पर थी, एक सीढ़ी को लगाकर मैं फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। उस समय सभी लड़कियों में कहासुनी हो रही थी। जिस लड़की को मैं मारने गया था वो रोती हुई उसी रूम में गई जिसमें मैं था। मैं एक कोने में जाकर छिप गया, बस वही सही मौका था मेरे लिए, बिल्कुल सही मौका। मैंने अपना काम खत्म कर दिया। कुछ वक्त रुककर मैंने फिंगरप्रिंट भी मिटा दिए और वापस सीढ़ी से आ रहा था तो देखा एक लड़का जो कि साड़ी पहने हुए था, वो कुछ बॉक्स को एक तरफ रख रहा था। उसके बाद वो लड़का धीरे धीरे मेरे ही तरफ आने लगा, इसीलिए मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो लड़का सीढ़ी के पास आया और कुछ सोचने के बाद सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। उस लड़के को फंसाने के लिए मैंने सीढ़ी वहां से हटा दी। उसके बाद मैं सीधा बेंगलोर आ गया। अगर आप पेमेंट क्लियर कर देंगे तो हमारा डील पूरा हो जाएगा। सुनो डेविड, जब पुलिस मुझसे इंक्वायरी कर रही थी तो मुझे पुलिस को चेक पोस्ट के बारे में बताना पड़ा। जब पुलिस को पता चलेगा तो तुम्हारी गाड़ी के डिटेल्स उसको मिल जाएगी और तुम पकड़े जाओगे तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए मैंने खीरे में जहर मिला दिया था। आई एम सॉरी डेविड। उसके बाद मैंने वहां से सारे सबूत मिटा दिए और मैं वहां से चला गया। मुझे पता है सच्चाई पता लगने के बाद बेटी तुम मुझे माफ नहीं करोगी। अगर तुमने मुझे माफ कर भी दिया तो कानून मुझे माफ नहीं करेगा, इसलिए
मैंने मरने का फैसला किया। नहीं, ये लेटर पढ़ने के बाद भी तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। नहीं, इस लेटर को भी अपने साथ खत्म कर दूंगा। तुम क्यों रो रही हो? मैंने जो तुम्हें एटीएम कार्ड दिया था वो कहाँ है? वो तो मैंने तुम्हारे डैडी को दे दिया था। डैडी, दरवाजा खोलिए। डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी प्लीज, डैडी। आलिया, आप लोग हटिए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बता बेटा। मैंने गुनहगार का तो पता लगा लिया, लेकिन ये नहीं पता कर पाया कि वो रिंग किसकी थी, वो मर्डर क्यों हुआ, ये सब अभी भी एक रहस्य है। ಕಥೆಯ ಉತ್ತರ ಕುಡಿಯುವವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರದಿ ನೆತ್ತರಾ